अच्छा जी, मैंने बिल्कुल बेसिक सा जो मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन विद दिस स्टेटमेंट ऑफ जॉन मेनार्ड केन, एंड दिस इज द प्रैक्टिकल मैन हु बिलीव देमसेल्व्स टू बी क्वाइट एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस आर यूजुअली द स्लेव्स ऑफ सम डिफंक्ट इकोनॉमिस्ट्स. इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर वन, द प्रैक्टिकल मैन हु कंसीडर देमसेल्व्स टू बी क्वाइट एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस बट एक्चुअली दे आर स्लेव्स, एंड सेकेंड, स्लेव्स ऑफ सम डिफंक्ट इकोनॉमिस्ट. तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. हम हमेशा ये कहते हैं कि व्हेनेवर वी आस्क दैट गिव एनी सजेशन फॉर बजट, तो जो पहला रिस्पांस आता है इकोनॉमिस्ट की तरफ से, हमसे पूछता कौन है, हम हमारी सुनता कौन है. सो इट्स अ रॉन्ग परसेप्शन. ये पहली बात ज़हन में रख लें, ये गलत बात है कि आप समझते हैं आपकी कोई बात नहीं सुनता. इस दफा के बजट में द फाइनेंस मिनिस्टर mentioned that they would not borrow from State Bank of Pakistan. किसने फाइनेंस मिनिस्टर को बताया कि स्टेट बैंक से बोरोइंग नहीं करनी चाहिए? इकोनॉमिस्ट ने. ये हमारी थ्योरी है जो कहती है सेंट्रल बैंक से बोरोइंग इन्फ्लेशनरी होती है. मे बी ये थ्योरी रॉन्ग हो, ये एक अलग इशू है. लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर असेंबली के फ्लोर पे क्यों कहता है, इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं, हुआ ना? फिर आपके मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, उसके पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिस्ट के आइडियाज होते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दे आर स्लेव्स ऑफ सम डिफंक्ट इकोनॉमिस्ट. अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली ज्यादा है. वी ऑल आर, वी एज अ नेशन आर स्लेव्स ऑफ डिफंक्ट इकोनॉमिस्ट. हमें बहुत सारी गलत बातें इकोनॉमिस्ट ने पढ़ा दी और हम उन्हीं को लेके चल रहे हैं. हर बंदा कह रहा है देखिए जी ये बात है, ये फला पॉइंट ऐसा हो जाएगा. मीडिया के लोग भी वही कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी वही कह रहे हैं, नॉन इकोनॉमिस्ट भी वही कह रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी वही कह रहे हैं. सही है? फॉर एग्जाम्पल, आप सारे लोगों को आइडिया है जो कि मैंने स्टेटमेंट दी फाइनेंस मिनिस्टर की कि दे विल नॉट बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक. Why? Because it's inflationary. इसमें लोगों ने यह hypothesis test किया है कि central bank की borrowing commercial bank की borrowing से ज्यादा inflationary होती है. सही? तो हमारे कुछ ideas हैं जो हम लेके चल रहे हैं, वो ठीक हैं, गलत हैं, कोई बंदा bother नहीं करता कि उसकी depth में जाके उसको analyze करे. मैंने जिस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच खत्म हुई, मैंने उस वक्त से व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे मैसेजेस देखना शुरू किए और आज तक देख रहा हूं. और मुझे बहुत अफसोस हुआ. क्यों हुआ? इकोनॉमिस्ट वो चीजें, वो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जिनमें इकोनॉमिक्स नहीं है. तो मुझे एक बात बताएं कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है या मेरा बजट का एनालिसिस वो है जो केमिस्ट्री पढ़े हुए बंदे का है, जो फिजिक्स पढ़े हुए बंदे का है, तो मुझे बताएं मैंने 10 साल इकोनॉमिक्स पढ़ने पढ़ाने में क्यों जाया किया. सही? तो आप एक पॉइंट ज़हन में रखें कि आपका जो वर्ड जुबान से निकलता है दैट हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन प्रैक्टिकल मैन. आप समझें या इसको ना समझें, आपकी बातों का असर होता है. आज क्या हर बंदा मीडिया से लेके पॉलिटिशियंस तक सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस की बात नहीं करता? तो सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस की बात किसी पॉलिटिकल सर्कल से आई है? नहीं, इकोनॉमिस्ट ने बात की है. आज हर बंदा केन्स की बात करता है, चाहे इसका नाम ना ले. ये ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर, ये पॉलिसी एडजस्टमेंट जो हम सारी कर रहे हैं, ये किसकी वजह से है? केन्स की वजह से. तो केन्स ने एक बात की, उसका इन्फ्लुएंस आज तक हमारे ऊपर है, एक सेंचुरी हो गई है. तो कैसे कह सकते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है? हमारी हर बंदा सुनने को तैयार है, हम कभी सही बोलते नहीं. प्रॉब्लम ये, जब प्रॉब्लम ये हो कि हम सही बोलेंगे नहीं, हमें खुद सही आइडिया ही नहीं है, तो उसका प्रॉब्लम ये होगा
कि हमारी पॉलिसी एडवाइस हमेशा गलत होगी। गलत क्या होगी, हम दे भी नहीं सकते। हम सारे बातें कर लेंगे, ये बजट है, वो बजट है, प्रैक्टिकली बताओ भी क्या करें बजट में, सारे चुप, किसी को आइडिया नहीं करना क्या चाहिए। तो ये केन्स की स्टेटमेंट अपने पास एक बड़ी सी फ्रेम करके अपने कमरे में लगा, ये मैं आपको सही कह रहा हूं। क्यों? आपकी हर बात का असर होगा, आप सही पढ़ें, आप सही एनालाइज करें, आप सही शोर मचाएं, ठीक है। वी स्टार्ट फ्रॉम फिस्कल पॉलिसी बिकॉज बजट इज पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सो ब्रॉडली स्पीकिंग व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, इट्स द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन मेनली टैक्सेस एंड द एक्सपेंडिचर विच इज स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। देखिए फिस्कल पॉलिसी आपने कब से पढ़ी हुई है, मैं क्यों इसको रिपीट कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं इंपॉर्टेंट ये टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। हम हमेशा बजट को बजट के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी से उसको रिलेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल बजट डेफिसिट का टारगेट इतना था, इतना हो गया, अचीव हुआ नहीं हुआ, सारी डिबेट इस पे है। क्या बजट का टारगेट होना चाहिए गिवन द कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, वेयर इज द रिसर्च, कोई रिसर्च बताएं जो हमें यह बताए कि इस वक्त इन कंडीशंस में पाकिस्तान इकॉनमी को यह बजट डेफिसिट का टारगेट अचीव करना चाहिए। एक पेपर भी नहीं मिलेगा, बातें करने को बैठे तो कहां से कहां शुरू हो जाएंगे। मेरे पास अभी चुकी यहां स्पीकर नहीं है, मैं दो पाकिस्तान के सीनियर इकोनॉमिस्ट का एक क्लिप लेके आया था कि मैं चला के आपको सुनाऊंगा, और वो सुन के मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि वो लोग जिनसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इकोनॉमिक्स सीखेंगे, वो अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स में इकोनॉमिक्स नहीं बोल रहे। ये प्रॉब्लम है, सही है ना। तो ये याद रखें, जब तक हम लोग चेंज नहीं होंगे, जब तक हम लोग चेंज नहीं होंगे, पॉलिटिकल चेंज से कोई चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान में रखें। मिंस्की की स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर याद रखें, ये स्टेटमेंट्स याद रखा करें। क्या? किंग इज कॉन्स्ट्रेंड बाय द थ्योरी ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल्स। किंग कुछ नहीं कर सकता, इंटेलेक्चुअल्स में प्रॉब्लम है। किंग वो सोचता है जो इंटेलेक्चुअल्स की थ्योरी होती है, हमारी थ्योरी गलत है, किंग गलत सोचेगा, ये याद रखें कि नहीं, ये प्रॉब्लम है, ये हमें समझना पड़ेगा। ओके, बैलेंस शीट ऑफ पब्लिक सेक्टर, इट्स अ सिंपल ओवरव्यू दैट इन द बजट आर द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वी हैव रेवेन्यूज, देन एक्सपेंडिचर्स, विद इन रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड देन ग्रांट्स and expenditures, current expenditure and development expenditure, and then we take an overall balance which is revenue minus expenditure. If there is deficit or surplus, it is managed by this side, because we have been experiencing budget deficit in Pakistan, so the financing is through domestic sources and external sources. From domestic sources we have non-bank and bank, and within bank we have scheduled banks and State Bank of Pakistan. So these are the sources available to the government for financing budget deficit. Har ek ki apni implications hongi sara kuch, lekin ye hamara ek starting point hai. Now when economists try to evaluate a budget, first of all we must have some criteria. हमारा प्रॉब्लम यह है, हमें क्राइटेरिया ही नहीं पता जिससे इवेल्युएट करें बजट को। हम बजट को उठा तो उसके नंबर्स देखने लगते हैं, नंबर्स तो अकाउंट्स हैं, इकोनॉमिक्स थोड़ी है। इकोनॉमिक्स इज मोर देन अकाउंटिंग, नंबर सिर्फ अकाउंट है। तो आपके पास क्या क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट आप इवेल्युएट करेंगे? अब क्राइटेरिया में थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अब थ्योरी डिफंक्ट इकोनॉमिस्ट की भी हो सकती है और ट्रू इकोनॉमिस्ट की भी हो सकती है, सही है? कैसे?
जब भी आप कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ईदर बिकम डेफिसिट ऑफ्स और डब्स एंड आउट्स। आपको डेफिसिट को कंट्रोल करना होता है एट एनी कॉस्ट। दिस इज द थ्योरी ऑफ डेफिसिट ऑफ्स। आपको डेफिसिट, बजट डेफिसिट को कंट्रोल करना है एट एनी कॉस्ट। लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, हो जाए, लोगों की जिंदगी अजाब होती है, हो जाए। क्यों? ये नहीं है ऐसा कि खुदा ना खास्ता वो लोगों को तकलीफ देना चाह रहे हैं। थ्योरी ये है कि लॉन्ग रन में इट विल प्रोवाइड एनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड अल्टीमेटली द लिविंग स्टैंडर्ड विल इंप्रूव। दिस इज द थ्योरी ऑफ डेफिसिट हॉक्स। वेयर एज डेफिसिट डॉग्स, इनका ख्याल ये है कि वेन एवर इकोनॉमी इज इन रिसेशन देन डोंट गो फॉर ऑस्टेरिटी। उस वक्त आप अपने बजट को कम नहीं करें और टैक्सेस को नहीं बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इकॉनॉमी विच इज ऑलरेडी इन रिसेशन विल गो इन टू डीपर रिसेशन। सही। अब इस वक्त हमारा प्रॉब्लम है, अभी आगे आएगा, अभी ये जस्ट स्लाइड है, इसकी थ्योरी क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं। क्या? कि डेफिसिट हॉक्स, वट एवर द कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग बजट डेफिसिट इज कंट्रोल इट, चाहे शॉर्ट रन में हमें कितना कॉस्ट क्यों ना बेयर करना पड़े। डेफिसिट डॉग, जब आप मुश्किल हालात में हैं तो फिर ऑस्टेरिटी नहीं, बजट को टाइट नहीं करें, इन टैक्सेस को नहीं बढ़ाएं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल नहीं करें, ये लॉन्ग रन में होने की बातें हैं। यानी कि थ्योरी उल्ट समझ आ गई। ये कह रहे हैं कि अगर अभी हालात बुरे हैं तो भी बजट डेफिसिट का टारगेट अचीव करो एट एनी कॉस्ट, लॉन्ग रन में आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। ये कह रहे हैं नहीं, अभी हालात खराब हैं, अभी उन हालात को संभालें, बजट डेफिसिट का टारगेट भूल जाएं, जब लॉन्ग रन में हालात बेहतर होंगे तो डेफिसिट का टारगेट अचीव कर लें। अब ये दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, दो डिफरेंट थ्योरीज हैं। आप जब तक क्लियर नहीं है इनमें से क्या बेहतर है, आप बजट को कैसे इवेल्युएट करें, फिर आपका एनालिसिस वो होगा जो फिजिक्स वाले का, आपका एनालिसिस वो होगा जो एक इलिटरेट का इवन। सही। तो मैंने बड़ी पॉइंट्स नोट किए व्हाट्सएप ग्रुप्स में, द वर्स्ट बजट इन द हिस्ट्री। ठीक है, आओ, कैसे हो गया, वी डोंट नो, किसी को नहीं पता। तो ये क्लियर है। एंड देन आउल्स, डेफिसिट आउल्स, इनका ख्याल है बजट डेफिसिट इज इररिलेवेंट फॉर पॉलिसी डिबेट, ये कोई चीज ही नहीं है टारगेट करने वाली, ये तो बिल्कुल ही लिबरल। ठीक है, ये कोई चीज है टारगेट करने वाली, ऑलवेज टारगेट रियल वेरिएबल्स, अनएम्प्लॉयमेंट कम करो, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाओ, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इंप्रूव होना चाहिए। बजट डेफिसिट क्या चीज है टारगेट करने के, टारगेट लोगों का सेटिस्फेक्शन है या टारगेट बजट का डेफिसिट होना चाहिए। तो इनका ख्याल है हाउस का कि डेफिसिट टारगेट इज इररिलेवेंट फॉर पॉलिसी मेकिंग। क्लियर। देन ये हॉक्स कंजर्वेटिव्स कहलाते हैं, ये लिबरल्स हैं, ये रेडिकल्स हैं। नाउ पाकिस्तान हैज बीन अ विक्टिम ऑफ डेफिसिट हॉक्स। हम ऑस्टेरिटी की बातें तीन डेकेड से कर रहे हैं, हम बजट डेफिसिट के पीछे तीन डेकेड से पड़े हुए हैं। क्यों? वी आर अंडर फंड्स प्रोग्राम। तीन डेकेड से हम फंड्स के डिफरेंट प्रोग्राम्स में आ रहे हैं। और जो आईएमएफ का, गलत या सही की मैंने नहीं बात की, मैं ये कह रहा हूं कि जो आईएमएफ के इकोनॉमिस्ट का कॉन्सेप्ट या थ्योरी है, दैट इज ऑफ डेफिसिट हॉक। जब वहां बैठे लोगों की थ्योरी ये है तो वो आपको रिकमेंड भी ये करेंगे ठीक या गलत। बात समझ आ गई? तो आपको अपने डेफिसिट को या किसी चीज को भी एनालाइज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी थ्योरी तो क्लियर करें आप किस ग्रुप में हैं। लेकिन अब मुझे ही नहीं पता मैं इनमें से कौन से ग्रुप में हूं, मैं बजट पे कमेंट कैसे करूं?
Clear? Now what is budget? Budget. मैंने start में कहा था it's an estimate of income and expenditure for a set period of time and it is for one fiscal year. Fiscal year starts from 1st July of this year and ends at 30th June of next year. So it's an income and expenditure statement. लेकिन ये तो एक definition. अब आगे आए जो हम भूल गए. If the budget is not just a collection of numbers, but an expression of our values and aspirations. Then a budget is not just a financial document. हम ज्यादातर इसको financial document समझते हैं. Rather it's a moral one. ये वो aspects हैं जो हम पाकिस्तान में भूल गए. कभी discussion सुनी है बाकी aspects के ऊपर? नहीं. हर बंदा कह रहा है इतना budget deficit होगा अचीव नहीं होगा, ये target अचीव नहीं होगा, वो target अचीव नहीं होगा. क्या मतलब? We consider it as financial document. उससे आगे नहीं निकलते. और अगेन द बेस्ट बजट इज विच स्टिमुलेट्स मोस्ट ग्रोथ. अगेन इश्यू है हम इसको ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बनाना चाह रहे हैं या नहीं. हिस्टोरिकली पाकिस्तान में हम क्या करते आ रहे हैं, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए द बेस्ट बजट स्टिमुलेट्स द मोस्ट ग्रोथ. ये क्लियर होना चाहिए. ये बजट का क्राइटेरिया होता है इवेल्युएट करने का कि आपका बजट किस साइड पे जा रहा है, आपको यह पता होना चाहिए. फिर बजट याद रखिए, ये पाकिस्तान में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम इकोनॉमिक्स को ऐसे लेते हैं जैसे रमजान को. वो कैसे? हमें सिर्फ रमजान में दीन याद आता है, हमें सिर्फ बजट के दिनों में इकोनॉमिक्स याद आता है. याद रखें बजट कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इकोनॉमिक्स के अंदर. इकोनॉमिक्स के अंदर अगर मैं सारा डीकंपोज करूं इश्यूज को तो बजट का वेट में भी 1% हो. लेकिन कभी सेमिनार्स आपने बजट के अलावा होते देखे हो, कभी मीडिया पे बजट के अलावा गुफ्तगू होते देखी हो इकोनॉमी के ऊपर? नहीं. हम बजट को इकोनॉमी समझते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है. बजट का वेट 1% भी नहीं है इकोनॉमी में इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस. आपके इकोनॉमिक इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन मैंने एक स्लाइड इकोनॉमी के ऊपर इसलिए डाल दी कि आपको ये क्लियर हो कि मेरा इकोनॉमी के ऊपर लेक्चर नहीं है, मेरा बजट के ऊपर है. तो मैंने एक स्लाइड इसलिए डाली कि जब आपका बजट आ गया उस वक्त आपकी कंडीशन क्या है इसको समझें. हर बंदा कह रहा है, कोई कह रहा है सैलरी नहीं बढ़ाई, कोई कह रहा है फलां काम ये नहीं किया वो किया, कोई कह रहा है टैक्स लगा दिया. वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, बट लुक एट द स्टेटस, लुक एट द स्टेट ऑफ इकोनॉमी. इन 2019 आवर एग्रीगेट डिमांड इज 110% ऑफ द जीडीपी. मैंने सारी नहीं आपको इकोनॉमी के ऊपर दी, सिर्फ एक स्लाइड दी है, इसी इसको समझ लें. क्या? This is our aggregate demand as a percentage of GDP. And the aggregate demand as a percentage of GDP, ये समझें, ये 100 या 120 center में क्या आएगा? 110. So it's approximately 110% of GDP demand. And our consumption is 95% of our GDP. सही? ये हमारी इकोनॉमी के हालात है. क्या? 95% ऑफ द जीडीपी कंजम्पशन है और 15% ऑफ द जीडीपी इन्वेस्टमेंट है. सो वी कैन फाइनेंस ओनली 5% ऑफ जीडीपी एज इन्वेस्टमेंट. रिमेनिंग 10% कहां से आएगा? बाहर से. तो हम हमेशा बात इस पे करते हैं कि कर्ज लिए, किसने लिए, क्यों लिए, क्या हो गया. कर्ज बात की बात है भाई. आप पहले बेसिक इश्यू तो समझे. जो कौम अपनी प्रोडक्शन का 95% कंज्यूम कर ले और फ्यूचर जनरेशन के लिए, या फ्यूचर जनरेशन भी ना करें, फ्यूचर के लिए अपनी इसी जनरेशन में
resources productive use में लगाने के लिए 15% बहुत लो है. आप अपना फ्यूचर बेहतर करने के लिए 15% दे रहे हैं जीडीपी का और करंट कंजम्पशन के लिए 95% दे रहे हैं. तो ये पहले ही कम है और जो है उसमें से 1/3 आप फाइनेंस कर सकते हैं, 2/3 एक्सटर्नल सोर्सेज से फाइनेंस होता है. तो मुझे एक बात बताएं, अगर इस इकोनॉमी में कभी ग्रोथ होगी कहां से होगी? आपको एक चीज नजर आ जानी चाहिए, 15.7, 15.7, 16.2, 16.7, 15.5, सो इट इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट एट 16% ऑफ जीडीपी. So whenever there is change in GDP, it's in consumption component. Investment में तो कोई change ही नहीं आ रहा. आप ये तो मैंने 5 साल का data show किया, आप 20 साल का data देख लें. और ये unfortunately जो investment है, इसमें भी बहुत सारे definitional issues हैं. अगर आप proper private gross fixed investment लें, it's about 9% of GDP. तो जब भी आपकी इकोनॉमी में रिसोर्सेज का इनफ्लो होता है, ये कंजम्पशन को बढ़ा देता है, हम खुश हो जाते हैं, हमारी ग्रोथ हो गई. हम एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ समझने लग जाते हैं. तो जब आप कहते हैं कि जी फलां टाइम में ये ग्रोथ रेट था, आज ये ग्रोथ रेट हो गया, कल ये ग्रोथ रेट हो जाएगा, यार ये एनुअल ग्रोथ रेट समझे आपके इस चैनल से आते हैं. तो मुझे एक बात बताएं, अगर आप जब भी ग्रो करें कंजम्पशन से करें, वुड दैट ग्रोथ बी सस्टेनेबल? आप उसको सस्टेन कर सकते हैं? देखें, कंजम्पशन की ग्रोथ को क्यों नहीं सस्टेन किया जा सकता? सस्टेन इसलिए नहीं किया जा सकता कि आप कर सकते हैं अगर आप अपने रिसोर्सेज के अंदर रहें. अगर आपकी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट आपकी जीडीपी का 100% हो, फिर इश्यू नहीं होगा. जब 110% होगा तो 10% तो आप डिपेंडेंट होगा किसी और पे. वो जब फ्लो ज्यादा होगा आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, जब वो फ्लो रुकेगा आप नीचे आ जाएंगे. तो ये जो ग्रोथ का हाई होना और ग्रोथ का लो होना पाकिस्तान में, इसका हमारे फंडामेंटल से कोई लिंक ही नहीं है. और जीडीपी में आप समझते हैं कंजम्पशन मेजर कैसे किया जाता है नेशनल इनकम अकाउंट में? एनी आइडिया? How do we measure consumption in the national income accounts? It is measured as residual. आपकी GDP में से investment, government expenditure, net exports निकाल दिए जाते हैं, तो जो बाकी बचता है वो consumption है. तो वो residual से growth आती है. वो residual की growth इस तरह है कि जब flow बढ़ जाता है हम consume करने लग जाते हैं, residual बढ़ जाता है, growth हो जाती है. जब वो फ्लो रुकता है, रेजिडुअल कम हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है. हम जाके मीडिया पे ये डिबेट शुरू कर देते हैं कि जी हमारे दौर में ये था तो फलां के दौर में ये, तो उसके दौर में ये था तो इसके दौर में. हम बैठ जाते हैं कंपैरिजन करने. ये पाकिस्तान में कंपैरिजन ठीक नहीं है. इस बात को समझ लें कि ग्रोथ हुई है हमेशा कंजम्पशन से. इसकी फर्दर डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन एक बात याद रखिए कि 95% ऑफ जीडीपी कंजम्पशन जिस इकॉनमी का हो, उसका कोई भी ग्रोथ रेट, स्पेशली हायर ग्रोथ रेट, सस्टेन नहीं किया जा सकता. सस्टेनेबिलिटी कम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बढ़ाने से आती है. आप कहेंगे नहीं, उसको तो हम छेड़े नहीं, और जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी फार्मर्स करें, हम क्यों करें? हम नहीं कर रहे, ये गलती भी हम नहीं कर रहे. ये जो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट है, ये गलती भी फार्मर्स की है कि यहां हो रही है. तो इन कंडीशंस में हमारा बजट आया, लेकिन ये कंडीशंस क्या आज की हैं? ये कंडीशंस हमेशा यही है, लेकिन थोड़ा सा इस वक्त ज्यादा खतरनाक ये है कि ये 90% पे भी था लेकिन आज 95% है कंजम्पशन. तो इस कंजम्पशन को कहीं ना कहीं से तो डिस्करेज करना होगा. नहीं करेंगे तो फिर ये सस्टेनेबल नहीं है. अब आए बजट पे. थोड़ा सा बैकग्राउंड जरा ध्यान में रखें ना, मैंने कोई इकोनॉमी की ज्यादा बातें नहीं की, सिर्फ एक स्लाइड शो. अब आए हमारे एक्चुअल बजट पे, बजट 2019-20. मिशन स्टेटमेंट्स व्हिच आई कॉपीड फ्रॉम द एनुअल बजट स्टेटमेंट
और ये मिशन स्टेटमेंट के साथ नहीं आया, मैंने बना दिया मिशन स्टेटमेंट, वैसे ये सेंटेंस वहां से उठाए लेकिन मिशन स्टेटमेंट मैंने खुद कह दिया। क्या द ईयर 2019-20 शैल कंटिन्यू टू बी द पीरियड ऑफ स्टेबिलाईजेशन? अब एक बात समझे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, स्टेबिलाईजेशन पॉलिसीज एंड ग्रोथ पॉलिसीज, एंड द बेस्ट बजट इज विच प्रोमोट द मोस्ट ग्रोथ। और हम क्या कह रहे हैं, इट्स द स्टेबिलाईजेशन प्रोग्राम। ठीक है, स्टेबिलाईजेशन जरूरी भी है। अब जरा आपने समझना है, क्या ग्रोथ अगर बजट से नहीं हम स्टेबिलाईजेशन अचीव कर रहे हैं तो क्या नहीं करनी चाहिए? ये बात क्लियर कर रहे हैं, स्टेबिलाईजेशन एंड ग्रोथ बोथ आर इंपॉर्टेंट, बोथ आर इंपॉर्टेंट, लेकिन टाइम होता है हर एक का। वो कैसे? वो टाइम यूं होता है कि अगर आप एक मरीज को बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में लाएं तो डॉक्टर क्या करेंगे, उसको एकदम से उसके सिम्टम पूछेंगे, क्या हो रहा है कि ये बेहोश हो गया, ड्रिप लगा दो। भाई कहीं टेस्ट तो करो, ये क्यों बेहोश हुआ, करेंगे नहीं, उसका एमआरआई करवाएंगे, सीटी स्कैन की तरफ भेज देंगे, वो बेहोश पड़ा है, मर रहा है, अभी इसके सीटी स्कैन कराओ, इसके सारे टेस्ट करवाओ, इसका फंडामेंटल प्रॉब्लम ढूंढो, फिर हम इसका लॉन्ग टर्म इलाज ढूंढेंगे। ऐसा होता है नहीं, क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाओ, ड्रिप लगाओ, कुछ करो, टेबलेट दो, बंदे को उठाओ, स्टेबल करो। जब बंदा स्टेबल हो गया, अब कहा चलो यार आप उस क्रिटिकल कंडीशन से निकल आए, अब जाओ अपने ये टेस्ट करवाओ, टेस्ट के मुताबिक आइडेंटिफाई करेंगे वो प्रॉब्लम नॉर्मल था, क्रोनिक है, क्या है, किस टाइप का है, जब पता चल गया अब ये इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है हमारा प्रॉब्लम। नाउ आवर पेशेंट इज इन आईसीयू, हमारी क्रांति इस वक्त पेशेंट है जो कि आईसीयू में है, हमें इस वक्त ग्रोथ नहीं चाहिए, इस वक्त स्टेबलाइज करना है। यहां तक ठीक है, यहां तक तो ठीक है, उसकी कंडीशन इंप्रूव होगी तो उसके टेस्ट वेस्ट करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि पीछे हर तीन चार साल पीछे चले जाएं तो हर तीन चार साल के बाद हम आईसीयू में होंगे, और हमारी स्ट्रेटेजी यह है कि जब डॉक्टर ने आरजी मेडिसिन दे के हमें खड़ा कर दिया, बिठा दिया, बेहोशी से निकाल दिया, हम अगले चार साल उसको एंजॉय करते हैं, हम आईसीयू से निकल रहे हैं और चार साल के बाद फिर आईसीयू में। आप मरीज की हालत देख लें, डॉक्टर ने उसे स्टेबल किया था उस क्रिटिकल कंडीशन से निकालने के लिए, ना कि इसलिए कि आप तुम ठीक हो जाके भागो दौड़ो ऐश करो, जब बीमार हुए तो दोबारा आ जाए। हमारा प्रॉब्लम समझे, ये स्टेबिलाईजेशन में मुझे इतराज नहीं है, अगर स्टेबिलाईजेशन होके नेक्स्ट ईयर ग्रोथ एजेंडा आ जाए। पिछले 70 साल की हिस्ट्री में एक दफा भी हमने ग्रोथ के लिए प्रॉपर एजेंडा ही नहीं बनाया। हम डेवलपिंग इकोनॉमी है ना, हमें तरक्की करनी है, हमें अभी ग्रो करना है, 70 साल में ग्रोथ ओरिएंटेड बजट ही नहीं है, ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज ही नहीं है, सिर्फ एक एजेंडा, आईसीयू में चले जाओ तो स्टेबिलाईज कर लो, जब आईसीयू से निकल आए तो उसको एंजॉय कर। एंजॉयमेंट कैसे होती है? मीडिया पे आके स्टेटमेंट देना, देखा हमारी गवर्नमेंट में इतना ग्रोथ रेट हो गया, पिछली गवर्नमेंट में तो ये था। आपने ऐसे बयान आप सुने हैं कि ये हमारा ग्रोथ रेट जो है ये पिछले पूरे डेकेड में हाईएस्ट है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, वो जो डेकेड का हाईएस्ट ग्रोथ रेट है वो अगले साल 5 से 3 पे चला जाता है, सो दैट इज नॉट सस्टेनेबल। इसमें गवर्नमेंट के चेंज का कोई रोल नहीं है, वो सस्टेनेबल ही नहीं था। क्यों? कंजम्पशन की ग्रोथ कहां से सस्टेनेबल हो? ये पॉइंट समझ आया आपको? तो स्टेबिलाईजेशन एजेंडा होता है और होना चाहिए, एंड वी मस्ट गिव ड्यू वेट टू स्टेबिलाईजेशन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ। हम ग्रोथ भूल गए और स्टेबिलाईजेशन में आ गए, और स्टेबिलाईजेशन एक थोड़े टेम्पररी फेज के लिए होता है, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, बट वी हैव टेकन इट एज लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ये हमारा प्रॉब्लम है। सेकेंड, ये बजट कहता है कि द प्राइमरी थीम ऑफ दिस बजट इज टू इंप्रूव डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी एंड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल हु कैन अफोर्ड इट इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम विदहोल्डिंग एंड प्रिजम्प्टिव टैक्स रिजीम। ये बहुत अच्छी बात है जो स्टेटमेंट है, बट वी हैव टू
evaluated critically. Critical evaluation statement kiya tha ki bahut achhi baat hai, partially to kam az kam main se agree karta hu, lekin main sari jo maine underline ki cheeze ki hai main inko discuss karunga. Dekhiye ye do wo cheeze hain jo maine budget document se li hain. Ab meri theory, government ka agenda aur numbers, ab in teenon ko main match karunga to analysis hoga. Jab main analyze karne baithu budget ko, us waqt meri sari economics side pe chali jaye, wo shayad paper mein pass hone ke liye thi. Sahi hai na? वो सारे मॉडल्स वर्डल सब साइड पे चले गए. मैं मैक्रो इकोनॉमिस्ट हूं, बहुत बड़े बड़े मैक्रो के मॉडल्स पढ़ा लेता हूं, बट व्हेन आई इवैल्यूएट द बजट आई इवैल्यूएट इट एज अ केमिस्ट, एज एन इलिटरेट, एज अ सोशियोलॉजिस्ट. जैसे और लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं मैं भी वैसे करने बैठ जाता हूं, वो सारी इकोनॉमिक्स मेरी साइड पे हो जाती है. ये प्रॉब्लम है, ये सारी जहन में रखी चीज है. This is stabilization agenda. This is also from budget document of federal government, annual budget statement, that government has taken six pillar strategy for stabilization. And what is that six pillar strategy? That government want to manage the external deficit. Seedhi si baat hai, 110% is not sustainable. So wo 10% external wala manage karna padega. Then reduction of fiscal deficit. ठीक है, स्टेबलाइजेशन की हद तक तो मैं इसको सही कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा वो डेफिसिट ऑफ वाली बात ध्यान में रखिएगा. देन एनहांस्ड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. अभी मैं आऊंगा कि टैक्सेस के पीछे थ्योरी क्या होती है और हम क्या चाह रहे हैं. एनहांस्ड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड देन ऑस्टेरिटी. ऑस्टेरिटी की आप अपने रिसोर्सेज के हिसाब से अपना बजट कम करें, ठीक है ना, यानी कि चादर देख के पांव फैलाएं, ये ऑस्टेरिटी. Then protection of vulnerable segments and fighting inflation. इनमें से हर चीज का इकोनॉमिक एनालिसिस होना चाहिए. इस बजट में जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है, दैट इज दिस ग्रीन प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल सेगमेंट्स. ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे. लेकिन फाइटिंग इन्फ्लेशन अच्छी बात है, हमें इन्फ्लेशन को कम करना है, लेकिन इन्फ्लेशन कम करने का एक कास्ट होता है, वो कास्ट भी तो ध्यान में हो. हमें ऑस्टेरिटी प्रोग्राम एडॉप्ट करना है. व्हाई? टू कट फिस्कल डेफिसिट. बट ऑस्टेरिटी हैज सम कास्ट एसोसिएटेड विद इट. ऐसा नहीं होगा कि बस आपने ऑस्टेरिटी कर ली, यूरोपियन कंट्रीज ऑस्टेरिटी की नजर हो गए, उनमें प्रॉब्लम आया. थ्योरी थी कि ऑस्टेरिटी प्रोग्राम लेके आए एंड ऑस्टेरिटी प्रोग्राम फेल, तो क्या पाकिस्तान में सक्सेसफुल रहेगा, ये क्वेश्चन है, हमें सोचना होगा. एक्सटर्नल डेफिसिट डेफिनेटली सस्टेनेबल नहीं है पाकिस्तान में. मैं पहला एक, ये तो था डॉक्यूमेंट, अब मैं पहला एक स्लाइड लेके आ रहा हूं नंबर्स के ऊपर, और उस नंबर में मैंने इसको नाम दिया एनालिसिस ऑफ द बजट 2019-20. मेरी ऐसी दो स्लाइड्स हैं जिनमें बार चार्ट है, सिर्फ दो स्लाइड, 50 स्लाइड्स में से दो स्लाइड्स ऐसी हैं जिनमें ऐसे बार चार्ट है. इन दो को समझ लें तो आपको बजट अप्रोक्सीमेटली तकरीबन समझ आ जाए. क्या स्टार्ट लेते हैं यहां से कि हमारी गवर्नमेंट ने इस साल इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बढ़ाया है टारगेट, यानी कि जो टारगेट सेट किया है, वो पिछले साल के एक्चुअल इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज जो कलेक्ट हुए थे उससे 39% ज्यादा है. बहुत बड़ा नंबर है, 40% इनडायरेक्ट टैक्सेस का, लेकिन ग्रोथ है, ये शेयर नहीं है 39%, ये ग्रोथ की बात कर रहा हूं पिछले साल से. देन हमारे जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनमें पिछले साल के अचीव टारगेट के हिसाब से, यानी कि जो रिवाइज एस्टिमेट्स आते हैं उसके हिसाब से, अगले साल का टारगेट 25% ज्यादा है. बहुत बड़ा नंबर है. ऐसा है, ये दो बातें जो जो मैं नंबर बोलूंगा उसी सीक्वेंस में समझे. इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने ज्यादा हो गए? 39%. डायरेक्ट टैक्सेस कितने हो गए? मिल मिला के जो एफबीआर के रेवेन्यूज हैं उनका कितने परसेंट हमने टारगेट में ग्रोथ लाई है? 34%.
यानी कि 34% से हम ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाह रहे हैं अगले साल। ये बात भी क्लियर होगी या नहीं? और चूंकि 34% हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो उसका टारगेट हमने हायर सेट किया है, तो जो टोटल बजट आउटले है वो 30% यानी कि एक्सपेंडिचर में 30% का इंक्रीज है। ठीक हो गया? अब आप कहेंगे वो 34 है तो ये 30 है, तो 4% तो फिर सरप्लस की तरफ जाना चाहिए। ये 4% इसलिए भी है कि ये सिर्फ मैं एफबीआर के रेवेन्यूज कह रहा हूं, बाकी और भी नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी होते हैं, ठीक है ना, या अदर टैक्सेस या और चीजें भी, आपकी रिसीट्स और भी होती हैं, लेकिन ये वो सारे मिलाएं तो ये मेरी 30, 33, 34 बराबर नंबर है। लेकिन पॉइंट समझे कि हमारे बजट डेफिसिट बजट एक्सपेंडिचर का भी ग्रोथ हुआ है कितना, 30% टोटल बजट आउटले की बात करो, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट एंड करंट एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब है मोर आर लेस ये फिगर्स जो है ये अलाइंड है। कैसे? 34% टैक्स में इंक्रीज है, नॉन टैक्स डाल दें तो मे बी ये 31-32 ही हो जाए, और 30% हमारे बजट में इंक्रीज है तो फाइन, यहां तक कोई इश्यू नहीं है कि है नहीं है। अब देखें ये तो एक्सपेंडिचर में टोटल ग्रोथ थी, अब आए उसके कंपोनेंट्स में। सबसे पहले अगर आप गौर करें तो हमारा बजट डेफिसिट को क्या हुआ है, बजट डेफिसिट रिमेन सेम, 34% टैक्स हायर कलेक्ट करके बजट डेफिसिट रिमेन सेम। लास्ट ईयर टारगेट वॉज 7.2% ऑफ जीडीपी एंड दिस ईयर द टारगेट इज 7.1% ऑफ जीडीपी, एसेंशियली द सेम। लास्ट ईयर कितना था? 7.2, अभी कितना है? 7.1, तो वही हुआ ना। फिर वो सारे टैक्सेस किधर गए? वो समझ आ रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर भी चले गए क्योंकि उसमें भी तो 30% इंक्रीज हुआ है। लेकिन गौर करें तो हमारे यहां एक बहुत कॉमन परसेप्शन है कि जी डिफेंस बजट सारा बजट खा जाता है, डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज देयर इज ओनली 1% इंक्रीज, 1132 बिलियन रुपीज थे लास्ट ईयर जो कि रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट, ये नंबर याद रख लें क्योंकि मैंने बहुत गलत फिगर भी सुना कई लोगों से। 1132 बिलियन रुपीज लास्ट ईयर का रिवाइज्ड एस्टिमेट है। रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि हमने बजट में रखा, बाद में उससे कम या ज्यादा स्पेंडिंग हो सकती है साल भर में, तो लास्ट मंथ में आके बजट से पहले हम अपने एस्टिमेट रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि रिवाइज्ड एस्टिमेट मोर आर लेस एक्चुअल होते हैं। एक्चुअल थोड़ा सा अभी भी चूंकि महीना रहता है तो थोड़े और डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मोर आर लेस यही होंगे। 1132 बिलियन रुपीस और अगले साल के लिए हमने रख दिए 1152 बिलियन रुपीस, यानी कि 20 अरब रुपया बढ़ाया। तो वो 34 में तो 1% गुम हो जाएगा, नजर भी नहीं आएगा, आता है? आगे चले सिविल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज ऑस्टेरिटी, -5% ग्रोथ। हमने सिविल गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर को 5% से पिछले साल के मुकाबले में कट किया है, और ये टारगेट में नहीं किया, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट में किया है, जो एक्चुअल स्पेंडिंग हो गई उसके मुकाबले में हम कह रहे हैं अगले साल हमारा बजट 5% नीचे चला गया। फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। एजुकेशन -20%, एजुकेशन के बजट को हमने -20%, ये लेकिन याद रखना ये करंट एक्सपेंडिचर की बात, डेवलपमेंट इसमें अभी नहीं शामिल, कितना -20%। हेल्थ -21%, अजीब सी बात है, इधर भी ऑस्टेरिटी, डिफेंस में भी इन अ सेंस ऑस्टेरिटी बड़ा नहीं है, सिविल गवर्नमेंट में तो कम हो गया ऑस्टेरिटी, हेल्थ एजुकेशन में ऑस्टेरिटी, ये बजट 30% किधर गया जो 30% इंक्रीज हुआ है, सेक्टर्स तो -20% तक कम हो रहे हैं, -20%, पूरी सिविल गवर्नमेंट मिला के तो 5% से कम हो रही है बजट से, डिफेंस बजट बढ़ नहीं रहा, ये 30% बजट का ग्रोथ किधर है? यहां पे नजर आएगा, दिस इज अवर टैक्स सर्विस जिसकी पिछले साल के मुकाबले में 37% ग्रोथ हुई है इस साल,
ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आज से 4-5 साल पहले से जब लोग डिफेंस डिफेंस की बात कर रहे थे, मैं उस वक्त एक बार हर जगह पे हर फोरम पे कहता था खुदा के लिए डिफेंस बजट ज्यादा होगा, आपका एक और कंपोनेंट आपको खा जाएगा, आप उसको सोच नहीं रहे। वो अब आके समझ आ गया सबको। इस वक्त हमारा, आगे स्लाइड में शो भी करूंगा, कितना है डिफेंस बजट, 1150 अरब। डेट सर्विसिंग को बता सकते हैं कितनी है? 4000 अरब, 3.8 trillion, 3.8 trillion। अभी मैं परसेंटेज में भी आता, लेकिन अभी जरा ये ध्यान में रखें कि ये सारे का सारा बजट यहां चला गया। और ये याद रखना, ये इस साल गया है। इस बजट में जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इस कंपोनेंट को हम कैसे कम करेंगे। टैक्स बढ़ा के एक्सपेंडिचर कम करने से ये हाथी नहीं पकड़ा जाएगा। हमें आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटेजी सोचनी होगी। नहीं सोचेंगे अगले साल इससे भी ज्यादा होगा। थोड़ी देर बाद मैं आपको शो करूंगा कि ये परसेंटेज में कहां खड़ा है, लेकिन ये ज़हन में रखें कि आपके सारे टैक्सेस जो आप रो रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, सारा कुछ किया गवर्नमेंट ने, लेकिन वो सारा सिर्फ एक कंपोनेंट में गया और किसी में भी नहीं गया। ये बात समझ आ गई। अभी यहां पे कुछ इश्यूज भी हैं। फर्स्ट इश्यू डेट सर्विसिंग, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने बोल दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखिए मैंने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है। सबसे टॉप पे क्या है? इकोनॉमिस्ट को पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स इज मोर डिस्टॉर्शनरी कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। तो इस बजट का एक प्रॉब्लम ये है कि टैक्सेस बढ़े हैं या नहीं बढ़े, वो एक अलग बात है। सबसे टॉप पे सारा कुछ ग्रोथ डाल दें, सबसे ज्यादा ग्रोथ इनडायरेक्ट टैक्सेस में हुई है, और उसका एक प्रॉब्लम होगा आपको। और वो प्रॉब्लम ये है, जो आगे मैं टैक्सेशन में बात भी करूंगा, कि हम हमेशा बजट डेफिसिट और टैक्स के टारगेट अचीव करते हैं इकॉनमी के लिए नहीं, इकॉनमी की कॉस्ट पे। सही, दीज टैक्सेस आर दीज इन दिस इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस विल किल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। ये प्रॉब्लम होगा, और जब प्रॉब्लम होगा इकोनॉमी को, तो पहले ही हम सस्टेनेबिलिटी का रोना रो रहे हैं, फिर आगे फर्दर प्रॉब्लम आएगा। ये आपके जेहन में होना चाहिए। अब बजट डेफिसिट का टारगेट हमने कितना रखा? बोले 7.1% ऑफ जीडीपी। 7.1% ऑफ जीडीपी एक अजम्पशन पे है, ये याद रखना। 7.1% ऑफ जीडीपी हमने बजट का टारगेट रख दिया। इसके अंदर दो बहुत बड़े इफ हैं। इफ दिस हैपन्स देन वी विल अचीव दिस टारगेट। टू बिग इफ्स, एंड व्हाट आर टू बिग इफ्स? नंबर वन, हमने पिछले साल के मुकाबले में एफबीआर के टैक्स रेवेन्यूज का टारगेट 34% बढ़ाया है। किसी को पता है पिछले साल क्या टारगेट था? 4,435 अरब रुपया पिछले साल का टारगेट था हमारा, और हमने अचीव किया 4,150 अरब रुपया। हम टैक्स इकट्ठा कर सके, यानी कि 4.4 trillion rupees का जो टारगेट था वी वर अनेबल टू अचीव, और हमने 4.15 का टारगेट अचीव किया। इस साल हमने टारगेट कितना रखा? 5.55 trillion rupees।
5,555 अरब रुपया, जो 4,150 अरब रुपए से 1,500 अरब रुपया ज्यादा है। तो हमने पिछली दफा 4.5 बिलियन ट्रिलियन वाला नहीं कलेक्ट किया और इस दफा हमने 1,500 अरब रुपया ऊपर टारगेट रख दिया है। तो या तो वो अचीव नहीं होगा, या वो अचीव नहीं होगा, या वो अचीव होगा तो इकोनॉमी को हर्ट करने की कास्ट पे होगा, ये ज़हन में रखना, वो मैं अभी बाद में उस पर आऊंगा। या ये अचीव नहीं होगा, या अचीव इस सूरत में होगा कि इकॉनॉमी बिठा दें आप, इतना हर एक को प्रेशराइज करके टैक्स एक्सपेक्ट कर लेके इकॉनॉमी बैठ जाए। ठीक है, ये याद रखना, इकोनॉमिस्ट का, प्रोफेशनल का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, ये ज़हन में आपने रखना है, ये क्रिटिकल एनालिसिस आपने ज़हन में रखना है। इसमें एक काम और हमने किया, अब हमारा जो 7th एनएफसी अवार्ड है और जो हमारी 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके हिसाब से कोई डिस्ट्रीब्यूशनल फार्मूला है, उसको समझने की जरूरत है। वो ये है कि जो भी हम फेडरल डिविजिबल पूल टैक्सेस में टैक्स कलेक्ट होते हैं वो 5 हैं, इनकम टैक्स, मैं एफबीआर की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड सीबीटी कैपिटल वैल्यू टैक्स। इन 5 टैक्सेस से जो जितना पैसा इकट्ठा होता है उसमें से 1% केपीके को पहले मिल जाता है वॉर एंड टेरर पे, जो बाकी बचता है उसमें से 42.5% फेडरल को मिलता है और 57.5% सूबों को चला जाता है, और उन सूबों वाले हिस्से में केपीके का शेयर 14.62% है। 14.62% में आगे डिटेल में आऊंगा। अब होता यह है कि जब भी आप बजट में अपना एफपीआर का टारगेट रखते हैं उस टारगेट के हिसाब से आप सूबों को बता देते हैं कि भाई हम इतने इतने पैसे आपको देंगे, लेकिन इसके ऊपर कंडीशन यह होती है कि अगर हमने ये पैसे कलेक्ट किए, अगर हम इतने न कर पाए तो जिस प्रोपोर्शन से वो रेशो से वो कम होंगे उस रेशो से आपके ऊपर भी कट लग जाएगा। आपने कुछ दिन पहले सिंध के वजीर आला साहब की बातें सुनी होंगी कि जी हमें सूबे का हिस्सा नहीं मिल रहा, और ये पॉलिटिकल बातें नहीं है, प्लीज इसको समझें, ये टेक्निकल इश्यूज हैं। कलेक्ट नहीं हुआ तो आप कट लगाएंगे हर एक पे, लेकिन रूल्स आपको पता होने चाहिए। बलोचिस्तान के शेयर पे कट नहीं लग सकता, बलोचिस्तान का जो शेयर है वो 9.09% है और उस पर कट नहीं लग सकता चाहे आप पैसे ना भी कलेक्ट करें। लेकिन चूंकि सूबों को आपने पैसे कलेक्ट में से देने हैं और ज्यादा पैसे सूबों को देने हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये एस्टीमेट किया कि 423 अरब रुपया मिल मिला के सूबों का सरप्लस होगा बजट में, और वो सरप्लस जब आप कंसोलिडेटेड बजट में जाते हैं तो वो फेडरल बजट डेफिसिट में से वो सरप्लस माइनस होता है और फेडरल बजट डेफिसिट नीचे आ जाता है ओवरऑल। तो दो बहुत बड़े प्रॉब्लम है इस बजट डेफिसिट के टारगेट में जिनको समझने की जरूरत है। पहली बात यह है 1500 अरब टारगेट ज्यादा है बजट टैक्सेस का, वो अचीव होगा तो बजट डेफिसिट का टारगेट अचीव होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा, उसमें से सूबों को भी उतना हिस्सा मिलेगा तब जब 1500 अरब इकट्ठे होंगे, और फिर सूबे 423 अरब का बाकी सरप्लस जनरेट करेंगे तो, और नहीं करेंगे अभी से हमें पता नहीं करेंगे, जब नहीं करेंगे तो बजट डेफिसिट 7.1% रखना एक इरेशनल टारगेट है अभी से नजर आ। मसला मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पिछले साल हमने कहा था कि सूबे 285 अरब रुपया सरप्लस जनरेट करेंगे मिला के, उन्होंने किया लेकिन कितना, 59 बिलियन। 285 अरब में से 60 अरब उन्होंने सरप्लस जनरेट किया, हमारी एक्सपेक्टेशन 285 की थी। अगर वही हिसाब यहां हो गया 423 अरब में तो सोच लें 100 अरब का भी सरप्लस नहीं जनरेट होने लगा, तो बाकी 323 फिर डेफिसिट में जाएगा, और 1500 अरब में से जो कम कलेक्ट होंगे वो भी डेफिसिट में जाएगा। सही है, तो ये दिल की तसल्ली है कि बजट डेफिसिट इस साल बढ़ा नहीं है, बहुत बढ़ गया, सोचा जाए। आगे चले, हमारे बजट में इस साल
तकरीबन 89% का करंट बजट है और 11% का डेवलपमेंट बजट है। वही बात कि हम 95% ऑफ द जीडीपी कंज्यूम करते हैं और 5% अपने रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट के लिए बचाते हैं, बाहर की बाहर से हम लाना पड़ता है। वही चीज आपको वो प्राइवेट इकोनॉमी में भी वही कहानी है, गवर्नमेंट में भी वही कहानी है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द बजट इज करंट, किसमें बिजली पंखे चले, बिजली का बिल दिया खत्म, लोगों को सैलरी दी खत्म, नहीं पेन से लिख लिया पेन खत्म, करंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपका डैम बने, आपके रोड्स बने, आपके स्कूल बने, आपके जो फ्यूचर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं उसकी रिसोर्सेज में जरा फर्क आप देख लें। और ये कोई इस गवर्नमेंट का नहीं है, ये चला आ रहा है। कैसे चला आ रहा है यहां से देख ले, 2012 से लेके 2019 तक तीन गवर्नमेंट चूंकि इसमें आ रहे हैं, तो देख लें 3.47 ट्रिलियन रुपीस करंट एक्सपेंडिचर, जस्ट 0.78 ट्रिलियन रुपीस डेवलपमेंट। और ये आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आप देख लें ये ब्लू आपका करंट एक्सपेंडिचर है और रेड जो है ये आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, सही। तो आपको परेशानी हो रही है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम है या नहीं है? मुझे ये परेशानी नहीं, क्योंकि मेरी परेशानी इससे आगे है। मुझे इसमें इतनी परेशानी नहीं हुई क्योंकि मेरी परेशानी इससे आगे आ रही है। वो आपने समझ लिया कैसे? आप आए जरा अपना रिकरेंट बजट और डेवलपमेंट बजट को जरा डीकंपोज करके देखिए। फर्दर ये ब्लू जो इतना बड़ा पार्ट आ रहा है ये क्या है? बगैर देखे बताए, जनरल पब्लिक सर्विसेज, और इसके अंदर बड़ा कंपोनेंट डेट सर्विसिंग ही। तो इसका मतलब है जो आपकी जनरल पब्लिक सर्विसेज हैं जिसमें मेनली डेट सर्विसिंग है, वो आपके करंट बजट का जो टोटल बजट का 90% है उसका 77% कंज्यूम कर गया। इसका क्या मतलब है? ये वो पार्ट है जिस पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अभी आगे दिखाऊंगा, आगे स्लाइड्स आ रही है, दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट का कितने पे हुक्म चलता है और कितने पे नहीं चलता। बहरहाल एक जनरल की बात समझिए, ये जो आपको कितना ये तकरीबन कितना नजर आया, 3/4, मोर देन 3/4 किधर गया? जनरल पब्लिक सर्विसेज इंक्लूडिंग डेट सर्विस, ठीक है। अब आए वो जिसका हम ज्यादा रोना होते हैं, डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज 16%, ये दूसरा बड़ा कंपोनेंट। इन दो कंपोनेंट्स को निकाल दें पीछे क्या रहेगा? पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, हाउसिंग, हेल्थ, सोशल, एजुकेशन, ये वो, ये सारे मिल मिला के ये कितना सा पार्ट है? अब क्या गवर्नमेंट की एलोकेशन गलत है? ये जरूरी नहीं है। ये एलोकेशन में इनका स्टेटस आपको बताऊंगा क्या है थोड़ी देर बाद, स्टेटस समझना होता है एक्सपेंडिचर्स का। डेवलपमेंट बजट में आ जाए, ये देखिए मोर देन हाफ 58% अगेन जनरल पब्लिक सर्विसेज, वही दूसरा बड़ा कंपोनेंट 26%, ये क्या है बताएं? ये क्या है? हाँ जी, डेवलपमेंट बजट के अंदर सबसे बड़ा कंपोनेंट आपको क्लियर हो गया जनरल पब्लिक सर्विसेज, उसके बाद क्या आ रहा है? इकोनॉमिक अफेयर्स, और फिर ये हमारा एजुकेशन का है, और हेल्थ किधर है? आई थिंक ये है, सही। तो जो काम के हमारे सेक्टर्स होते हैं
जिनसे हमने फ्यूचर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करनी होती है, उनके लिए हमारे पास क्या कुछ बचता है ये समझते जाएं, फिर मैं आगे बताता हूं। अब मैं आपको ये बात बताऊं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कही थी, मुझे ये परेशानी नहीं है कि डेवलपमेंट बजट 10 या 11%। हमारी परेशानी वो है कि हमारा प्रोफेशन के लोग, मैं और आप, हम सोए हुए। कैसे सोए हैं? हम ऐसे सोए हैं कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि हम हमेशा बजट में आके हमें इकोनॉमिक्स याद आई, बजट बजट हो जाता है। और याद रखिए, बजट में कभी भी बजट नहीं डिस्कस करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं। क्या करना चाहिए बजट में? पिछला बजट डिस्कस करना चाहिए, जो हम नहीं कर, मीडिया भी नहीं करता, पार्लियामेंट भी नहीं करता, हम भी नहीं करते। ये असल परेशानी। बजट बजट हम डिस्कस नहीं करते, सही है? कौन सा? पिछले साल का बजट का ये प्रॉब्लम नहीं है कि बजट इस साल का क्या है, बजट का प्रॉब्लम ये है कि बजट पिछले साल का क्या था उसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। कैसे बजट क्या है या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम है या ज्यादा। प्रॉब्लम यह है कि ये जो बजट बनता है ये मेरे लिए इसकी जीरो क्रेडिबिलिटी है, ये प्रॉब्लम। ये सारे नंबर मीनिंगलेस हैं, ये नंबर मीनिंगलेस हैं। क्यों मीनिंगलेस हैं? इसलिए कि इन नंबर्स की मेरे लिए क्रेडिबिलिटी जीरो है। कैसे? यहां है, ये मैं कह रहा हूं जो असल पढ़ने की जरूरत है। हम पढ़ते हैं इस साल का बजट, हमें पढ़ना चाहिए पिछले साल का बजट। कैसे? ये जो जनरल पब्लिक सर्विसेज हैं जिनका वो इतना बड़ा कंपोनेंट आ रहा था लास्ट ईयर, इसका हमारा बजट का एस्टीमेट था। बजट एस्टीमेट का मतलब है पिछले साल हमने इस बजट में इतने पैसे रखे, कितने? 228 अरब रुपया। रिवाइज एस्टिमेट ये आ रहे हैं कि कंज्यूम होंगे 116 अरब। डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज, ये डेवलपमेंट बजट की बात कर रहा हूं, 3 अरब रुपया हमने रखा, 1.5 अरब रुपया हमने दिया। पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी 4.3 बिलियन रखा, 3 बिलियन हुआ। इकोनॉमिक अफेयर्स 100 बिलियन के करीब बजट में रखा, खर्चा कितना हुआ? 33 अरब रुपया। तो मुझे ये बताएं, क्या मुझे पिछले साल इस पे बहुत रोना चाहिए था कि इतना रखना चाहिए इस पे कि नहीं? जब इसने खर्च नहीं होना वो 33 1/3, तो बजट का क्या फायदा? आगे चले, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1/10 ऑफ द बजट भी नहीं स्पेंड हुआ जो रखा था। हाउसिंग एंड कम्युनिटी 14.8 बिलियन रखे, 1.6 बिलियन खर्च हुए। हेल्थ 30 अरब रुपया हेल्थ को दिया, 4 अरब रुपया खर्च हुआ, पिछले साल की बात करें। कल्चर रिक्रिएशन उस पर देख लें, एजुकेशन 43 बिलियन रुपीज रखा, 24 बिलियन एक्चुअल रिवाइज एस्टिमेट आया। सोशल प्रोटेक्शन 1.2 बिलियन 0.6, 50%। और ओवरऑल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो कि पिछले साल जीडीएसडीपी की बात कर रहा हूं 427 अरब रुपया था, उसमें से 187 अरब रुपया एक्चुअली कंज्यूम।
मुझे ये बताएं, ये था बजट पिछले साल का जिसपे हम रोते रहे, पीटते रहे, बोलते रहे कि ये है वो है। आज किसी को भी ये याद नहीं है कि यार एक्चुअली क्या हुआ पिछले साल। सही, पार्लियामेंट में भी जब डिबेट होती है तो एक आइटम, एजेंडा आइटम ये होता है कि ये हमने पिछले साल कर दिया, आप इसकी मंजूरी देते हैं, सारे कहते हैं हम मंजूरी देते हैं, ये डिबेट होता है, ये इस पे डिबेट होता है। और जब खर्च कर दिया तो अब डिबेट करने का भी क्या फायदा, ये समझिए, ये इश्यूज हैं प्रैक्टिकली। देखें, नंबर और मीडिया की जनरल बातें आप समझते हैं, इकोनॉमिक्स और प्रोसीजरल इश्यूज समझें कि ये रिवाइज एस्टिमेट कहां से मैंने लिए हैं, ये इस साल के बजट डॉक्यूमेंट से लिए हैं, वो बजट डॉक्यूमेंट जो कौमी असेंबली में प्रेजेंट कर दिया गया कि भाई पिछले साल हमने रखा ये था लेकिन एक्चुअली ये किया, तो पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट के लोग क्या कहें और मैं क्या कहूं और मीडिया क्या कहें, वो तो आप कर चुके हैं, जब एक काम हो चुका है अब उसको क्या डिस्कस करे कोई। तो प्रोसीजर ये होना चाहिए कि ये चेंज होने से पहले डिस्कशन होनी चाहिए, पर वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में बजट की फिगर्स मीनिंगलेस होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता यार, ये 1/3 बनता है टोटल, क्या फायदा फिर इन सारे बजट की, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स का और इतनी बड़ी बड़ी कौमी असेंबली की डिबेट्स का, जब इसका कोई मतलब नहीं निकलता एट द एंड। अब एक सवाल सिर्फ मेरा आपसे कि कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि ये इस साल वाली गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, ये हमारी प्रैक्टिस है, ये हमारी प्रैक्टिस है। उस प्रैक्टिस के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ और भी लाया, ये 2014-15 की स्टोरी है जब ये गवर्नमेंट नहीं थी, बाकी सारी नहीं डिटेल में जाए। रिसर्च के ऊपर -4% कट, R&D के ऊपर -31% कट, लॉ कोर्ट्स के ऊपर -96% कट, एनवायरमेंट -60, कम्युनिटी डेवलपमेंट -28, और प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन अफेयर्स, समझ आया, -100% बजट में था, हुआ कुछ नहीं। आगे चले, सेकेंडरी एजुकेशन +38, और फिर इस तरीके से मुख्तलिफ चीजें, हॉस्पिटल सर्विसेज में -7.9, यानी कि हमेशा से होता है। आगे चलें, क्या ऐसा फेडरल गवर्नमेंट करती है, नहीं, ये पंजाब का बजट है, इसमें भी जरा रिवीजन देखते जाएं। सिर्फ सीएम सेक्रेटेरिएट गरीब इदारा था, उसका बजट सही से हमने रिवाइज किया अपवर्ड, बाकी सबका नेगेटिव। हेल्थ और एक वो देखें, बाज औकात परसेंटेज बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, नंबर भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो छोटा सा फिगर होता है, वो थोड़ा सा बढ़ाए तो नंबर बहुत, परसेंटेज बड़ी हो जाती है। केपीके 2015-16 एनवायरमेंट को 245% ज्यादा दे दिया, बाकी साहब में से माइनस कर दिया, भाई जिसको ज्यादा दिया ये कोई अच्छी बात तो नहीं, अगर उसको ज्यादा देना था तो बजट में ही क्यों रखा था, और बजट में जब रख दिया तो आप ये किसकी अप्रूवल से आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये केपीके गवर्नमेंट है, समझ आई, इसका मतलब है ये जनरल प्रैक्टिस है। मैं और भी थी, सिंध की स्लाइड थी, सारों की थी, और बड़ी अजीब अजीब स्लाइड थी, वो मैं लेके ही नहीं आया, इधर है मेरा ये इशू नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, इशू समझा रहा हूं कि बजट को डिस्कस करने के लिए, बजट को समझने के लिए जरूरी है कि आप प्रोसीजरल इशू समझें कि हमारी गवर्नमेंट जो बजट प्रेजेंट करती है उस पर डिस्कशन होती है, और इंटरेस्टिंगली वो ही एट द एंड अप्रूव हो जाता है, और जब वो अप्रूव हो जाता है फिर हम उस पर अमल भी नहीं करते, और जब वो हम खर्च कर चुके होते हैं तो अगले साल कहते हैं हम खर्च कर चुके हैं, इसकी मंजूरी दे दें, पार्लियामेंट मंजूरी दे देता है, दैट्स इट, ये हमारा बजट है। सही है, तो ये एक इशू है। आगे चल, एक इशू और, स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। अब आपको समझ आ रही है कि जो रियल इश्यूज हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड ही नहीं है, ये हमारे मुल्क के मसाइल हैं जिसको हम नहीं समझते, और एट द एंड इकोनॉमिस्ट का भी एनालिसिस यही है कि तनख्वाह 5% बढ़ी या 10% बढ़ी, इससे आगे हम भी नहीं सोचते।
structural rigidities and constraints. अब जरा देखिएगा कि constraints क्या होती हैं किसी government की, या इस वक्त government की क्या constraint है जिनमें ये budget बना. बहुत सारे negative points मैंने explain किए budget के, लेकिन साथ साथ हमें उनकी constraints भी देखनी है, और वो constraint देखने के लिए नीचे से ऊपर चले. अब आपने समझना है हमारे पास ये, अब आपने पूरा पॉइंट समझना है मेरा. फिर आप कहिएगा कि गवर्नमेंट ने 5% ठीक बढ़ाई है सैलरी, या 10% बढ़ानी चाहिए थी, या 40% बढ़ानी चाहिए, टैक्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए. इसको इवेल्युएट करना है तो इस एक स्लाइड को समझें. हमने नेक्स्ट ईयर की ये बात हो रही है बजट 2019-20. तो जब 19-20 है तो देन दीज आर कॉल्ड बजट एस्टिमेट्स. ये हमारी एस्टिमेटेड फिगर्स. वो क्या हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर जो टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो होंगी 5.8 trillion रुपीस, 5,822 अरब रुपया, यानी कि 5.8 खरब रुपया. नॉन टैक्स रिसीट्स हैं 894 अरब. तो टोटल जो टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स हैं इंक्लूडिंग टैक्स एंड नॉन टैक्स वो कितनी बन गई. ये फिगर ये एक स्लाइड में कहूंगा आप याद कर. कितना बन गया 6.7 trillion खरब रुपया. ये क्या चीज है हमारे टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. क्लियर. आगे चलो कैपिटल रिसीट्स होती हैं. कैपिटल रिसीट का मतलब ये है कि आपने कोई लोन दिया हुआ है वो वापस आएगा, फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज लोन लेते हैं वो वापस आएगा, या किसी तरह का भी लोन रिकवरीज वगैरह. ये 766 अरब है. तो मिल मिला के जो टोटल इंटरनल रिसीट्स बनती हैं वो 7.5 खरब रुपया बनता है. कितना ये अच्छी तरह से फिगर्स याद करें. कितना बनता है 7.5 खरब रुपया. फिर कुछ छोटे मोटे पब्लिक अकाउंट रिसीट्स होते हैं 251 अरब, वहां से आएंगे. तो जो मिल मिला के ग्रॉस फेडरल रेवेन्यू इंटरनल है, इंटरनल का मतलब है मैंने एक्सटर्नल बोरोइंग निकाल दी है इसमें. क्या लिखा हुआ है ग्रॉस फेडरल रिसोर्सेस, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट के पास इस साल एस्टिमेट के हिसाब से रिसोर्सेज इकट्ठे होने हैं इंटरनल सोर्सेज से, यानी कि टैक्सेस नॉन टैक्सेस एक्सटर्नल सोर्सेज छोड़ दें, वो मिल मिला के हैं 7.7 खरब रुपया, 7.7 trillion रुपीज. क्लियर हो गया. एनएफसी 7th NFC अवार्ड के मुताबिक हमने प्रोविंसेस को इसमें से शेयर देना है, इस सारे में से नहीं, सिर्फ टैक्सेस, और वो भी उन 5 taxes में से. कितना देना है 57.5%. वो बनता है 3.255 trillion रुपीस, 3.255 खरब रुपया. फेडरल गवर्नमेंट के पास कुल ये आने हैं, ये बाय लॉ सूबों को चले जाने हैं, फेडरल गवर्नमेंट इसमें से कुछ नहीं कर सकती. क्लियर हो गया. जो बाकी बचता है उसको हम बोलते हैं नेट फेडरल रिसोर्सेज. क्या बोलते हैं? तो कहने को तो हमारा बजट 7 trillion का है, लेकिन जो नेट फेडरल रिसोर्सेज उसके पास रह गए हैं वो सिर्फ 4.5 trillion. ये कितने हैं 4.5 trillion. अब इसके बाद एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर बजट के अंदर, और एक कहलाते हैं वोटेड एक्सपेंडिचर. ये जरा लिख ले क्या है. दो तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं बजट के अंदर, एक कहलाते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर और एक होते हैं वोटेड एक्सपेंडिचर. वोटेड एक्सपेंडिचर वो हैं जो पार्लियामेंट जिसके ऊपर डिबेट कर सकता है, और डिबेट करके ऊपर नीचे फिगर्स किए जा सकते हैं. चार्ज एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो प्रेजेंट किया जाता है वो खुद ही अप्रूव हो जाते हैं, डिबेट करने की उसमें गुंजाइश नहीं है. ये बात समझ आ गई. यानी कि चार्ज एक्सपेंडिचर वो हैं जो ये गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट भी अपोजिशन भी मिलकर भी चेंज नहीं कर सकते. सही है ना. क्यों? वो पार्लियामेंट में जैसे प्रेजेंट होते हैं वैसे अप्रूव हो जाते हैं. वो होते क्या हैं? वो होते हैं डेट सर्विसिंग और क्या होगा, और ऐसा कौन सा होगा जिस पे आप वोट नहीं दे सकते और बस खुद ही अप्रूव हो जाता है. बोले जनरल प्रोविजन,
ये मोस्टली बड़ा कंपोनेंट तो है इसमें, अभी मैं आपको दिखाऊंगा डेट सर्विसिंग। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसमें डिफेंस बेचारा नहीं आता। क्या है इसमें? डेट सर्विसिंग सबसे बड़ा कंपोनेंट है। नंबर टू जुडिशरी के एक्सपेंडिचर, यानी कि जजेस की सैलरीज, ये वो जो प्रेजेंट होगा वो अप्रूव हो। और तीसरा है प्रेसिडेंट हाउस के एक्सपेंडिचर, प्रेसिडेंट हाउस के एक्सपेंडिचर, जुडिशरी के एक्सपेंडिचर, और ये दो छोटे कंपोनेंट्स हैं। और बड़ा कंपोनेंट क्या है? डेट सर्विसिंग। वो मैं आपको बता दूं कि इस साल कुल कितना है चार्ज एक्सपेंडिचर, इससे ज्यादा भी हो सकता है, अभी तो इंटरेस्ट रेट चेंज होना है ना, तो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एस्टिमेट के मुताबिक कितना है? 4 ट्रिलियन रुपीज, 4,000 अरब रुपया, और उसमें से 3.99 डेट सर्विसिंग। वो जो 0.01 है वो जुडिशरी और प्रेसिडेंट हाउस है, तो इनके ऊपर कोई डिबेट नहीं होगी। सवाल ये हमारे पास बचे कितने थे गवर्नमेंट के पास, वो ये 4,479। ये नेट फेडरल रिसोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट के पास बचे बजट बनाने के लिए, उसमें से 4,000 अरब के ऊपर डिबेट ही नहीं हो सकती। बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया हमारे पास, मैंने ये लिखा है नेट वोटेड एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट 446 अरब रुपया, लेस देन हाफ ट्रिलियन रुपीज। वो जिस बजट को हम रो रहे हैं कि जी ये गवर्नमेंट ने किया वो किया, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट के पास तो 1 ट्रिलियन से आधे के भी वोट या अपोजिशन के लिए भी देने की गुंजाइश ही नहीं है। इसको मैंने कहा स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज, ये इश्यूज हैं हमारे रियल, इनको सोचे बगैर कहें कि तनख्वाहें कितनी बढ़ानी चाहिए थी कितनी, तो जो मर्जी कहते रहे, आपकी मर्जी है, रियलिटी से दूर होकर जो मर्जी बात कर रहे, लेकिन समझे अपने मसाइल को, समझे कि हमारे पास 446 अरब रुपया रेवेन्यू अकाउंट में वो है इंटरनल जिसके ऊपर हम कुछ कर सकते हैं। अब ये 446 अरब किस काम से पूरा आएगा, जरा ये भी गौर कर लें। मैंने एक हेड बजट में से उठाया है कि फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की पेंशन कितनी है, 462 अरब रुपया। ये भी आप चेंज नहीं कर सकते, पुराने लोग रिटायर हैं उनको पेंशन देनी देनी है। यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट के पास नेट वोटेड रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर एक्सपेंड रिसोर्सेज बचते हैं, वो हमारी पेंशन को भी पूरा नहीं कर सकते। डिफेंस अभी पीछे पड़ा, हमारी सैलरीज अभी पीछे पड़ी है, सब कुछ साइड पे है। ये जो पंखा चल रहा है, ये स्लाइड ये कह रही है कि ये जो पंखे इस लाइब्रेरी में चल रहे हैं इसका बिल गवर्नमेंट उधार लेके देगी। पॉइंट समझ आया? आपको ये पता होना चाहिए ये है, यानी कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट के पास पेंशन के पूरे पैसे नहीं है, और इन सारी में कहीं डिफेंस एक्सपेंडिचर भी आया ही नहीं है। इसका मतलब है सारे का सारा बजट टेक्निकली हम डेफिसिट में और उधार लेके देंगे। जब उधार लेके देंगे और ऊपर से हमारा टैक्स इंटरेस्ट जो है सॉरी डेट के ऊपर वो 12% 13% पे चला गया हो, तो अगले साल चार्ज एक्सपेंडिचर का क्या हाल है? अगले साल पेंशन के पैसे भी नहीं होंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट ने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई या टैक्स बढ़ा दिया, प्रॉब्लम मेरी नजर में ये है कि कोई आउट ऑफ बॉक्स स्ट्रेटेजी है हमारे पास कि अगले साल चार्ज एक्सपेंडिचर कम हो परसेंटेज में, नहीं है। और जो हालात जा रहे हैं, अभी मैंने आपको बता दिया सूबों का सरप्लस हमने 423 अरब ऐसे ही डाल दिया, वो नहीं होगा सरप्लस। 1500 अरब रुपया हमने FPR के टारगेट बढ़ा दिया, वो नहीं हो पाएगा। जब वो नहीं हो पाएगा तो वो यहां से नजर आ रहा है ना, हमारे पास सारा कुछ उधार लेना है, हमने उधार लेना है तो नेक्स्ट ईयर तो पेंशन, इस साल चले पेंशन तो अपने पास से दे देंगे, अगले साल पेंशन भी अपने पास से नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट PTI की हो, PMLN की हो, पीपल्स पार्टी की हो, द किंग इज कॉन्स्ट्रेंड बाय द थ्योरी ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल, इस बात को समझे नहीं समझेंगे बस फिर जो मर्जी लड़ाइयां करते रहें, मुल्क का हालत ये होने वाली आगे।
पॉलिटिशियन जो मर्जी करते रहे, क्यों? उन्होंने डिबेट करनी है एक दूसरे से, ये पॉलिटिक्स। हम इकोनॉमिस्ट जब आर्ग्यू करते हैं तो हमारे अंदर से वो पॉलिटिक्स क्यों निकलती है, मुझे ये नहीं समझ आती। हमारे अंदर से इकोनॉमिक्स क्यों नहीं निकलती? क्या इकोनॉमिक्स हमारी एग्जाम देने के लिए है? बस उससे आगे नहीं है, सोच ली। अब ये डेट सर्विसिंग का इश्यू अगर हल करना है ना, तो किसी ना किसी को तो सोल्यूशन देना पड़ेगा, चाहे वो आप में से क्यों कोई क्यों ना। अगर नहीं दे सकते तो बस फिर आगे इंतजार करें किस तरफ हम जा रहे हैं। आगे चलें, अब हम बजट डॉक्यूमेंट के दो हिस्से होते हैं, ये चीजें भी साथ साथ समझते हैं। एक होता है जो एक्सपेंडिचर का एस्टीमेट कहलाता है, जो कि मोस्टली हम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीजें एक्सप्लेन करते हैं, वो बजट स्पीच का फर्स्ट हाफ होता है। जो सेकंड हाफ होता है वो नॉर्मली अमेंडमेंट्स होती हैं, तरामीम होती हैं ऑर्डिनेंस में या एक्ट में। तो हर साल जैसे टैक्स ऑर्डिनेंस है, जैसे स्टैंप ड्यूटी ऑर्डिनेंस है, जैसे जीएसटी का ऑर्डिनेंस है, कोई एक्ट है, कोई ऑर्डिनेंस है जो पीछे अप्रूव हुए हुए हैं, उनमें अमेंडमेंट्स लानी होती हैं। इन जितनी अमेंडमेंट्स लाते हैं इसको मिला के कहते हैं फाइनेंस बिल। क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल। जब ये अमेंडमेंट हो जाती है तो समझे कानून का हिस्सा बन गए। तो हमने अमेंडमेंट्स हर साल करनी होती हैं, इस साल भी हमने अमेंडमेंट किए हैं और वो अमेंडमेंट कहलाती हैं फाइनेंस बिल 2019। वो मैं बताऊं, अभी तक मैं डिस्कस कर रहा था बजट 2019, अब मैं आता हूं फाइनेंस बिल 2019। क्योंकि वो मोस्टली फाइनेंस बिल टैक्सेस से डील करता है, तो पहले मैं फिर अपनी थ्योरी बीच में लाऊंगा कि हम एज इकोनॉमिस्ट ये तो पता होना चाहिए कि रेवेन्यू पॉलिसी एक्चुअली क्या होनी चाहिए। प्रॉब्लम पाकिस्तान का क्या है? हम समझते हैं टैक्सेस रेवेन्यू कलेक्शन के लिए सिर्फ, ऐसा नहीं है। ये मैंने इंटरनेशनल लिटरेचर से टैक्स पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं चार, चारों पढ़ लें। या तो होता कि भाई सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, तीन और भी हैं, ये नहीं है, चारों में रेवेन्यू एक भी नहीं है। यानी कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए हम टैक्स की पॉलिसी बनाते हैं, ये हमारा किबला ही गलत है। इस बात को समझे, ये गवर्नमेंट क्या और पिछली गवर्नमेंट क्या, थ्योरी ही गलत है जेन में बैठी हुई। वो थ्योरी क्या है? वी आर स्लेव्स ऑफ डिफंक्ट इकोनॉमिस्ट। हमें ये बताया गया कि चूंकि इकोनॉमिस्ट इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो जहां से रेवेन्यू इजीली कलेक्ट हो सकता है, डिमांड इन इलास्टिक है, वो सारी चीजें हाईलाइट कर दो, गवर्नमेंट उन पे उठा के टैक्स लगाती है। दीज आर डिफंक्ट आइडियाज, ये समझने की जरूरत। टैक्स रेवेन्यूज, टैक्स पॉलिसी टैक्स रेवेन्यूज के लिए नहीं होती, ये इन चार ऑब्जेक्टिव्स के लिए होती। अगर आपने टैक्सेशन को, गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी को इवेल्युएट करना है इन चार ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करें, आप पूरा फाइनेंस बिल उठा के देख लें, आप पूरा बजट डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें, आप सारे इकोनॉमिस्ट की डिबेट सुन लें, आपको एक ही चीज मिलेगी, इतने पैसे वहां से आएंगे या इतने पैसे हम इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। असल इशू क्या है भाई? वो नंबर यहां है ही नहीं। नंबर्स में जो पैसा है वो टैक्सेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। अब जो बाकी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जरा हमने गौर से समझना है। तो जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा ब्रॉडर टैक्स एजेंडा है, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता एग्जेम्पशंस और कंसेशंस को फेज आउट करेंगे। दिस इज गुड, ये अच्छा है। क्यों? इसलिए नहीं अच्छा कि इससे रेवेन्यू ज्यादा आएंगे, नहीं, इट्स फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विटी। ये कॉन्सेप्ट का फर्क है। कंसेशन इसलिए नहीं खत्म करनी कि वहां से इतने पैसे आ जाएं, सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये फेयर ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है। ये क्या तरीका है? इनको कंसेशन दे दो, इनसे टैक्स ले लो। तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी के लिए जरूरी है एग्जेम्पशन खत्म होनी चाहिए।
देन ग्रेजुअल यूनिफॉर्मिटी इन बैट रेट, किसी से ज्यादा टैक्स ले लेते हैं, किसी से कम ले लेते हैं, जिससे कलेक्ट हो सकता है वहां 17% पूरे ले लो, जिससे कलेक्ट नहीं होता उसको कभी बिजली की कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगा दो, कभी किसी और चीज के ऊपर, क्यों हम कलेक्ट नहीं कर सकते? वो कह रहे हैं इसमें हम यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं, विच इज अगेन गुड. Modernizing to reduce the trust deficit between the taxpayer and tax. ये सब बजट डॉक्यूमेंट में से और ये सारी बातें यहाँ तक की है. Taxation of real income instead of presumptive taxation and by eliminating unnecessary withholding tax. पाकिस्तान में presumptive और withholding tax के ऊपर पूरा पाकिस्तान जैसे चल रहा हो. Direct taxes में सबसे बड़ा portion withholding tax का है. तो क्या हमें ये जो इन्होंने लिखा है कि हम उसको खत्म करेंगे, इट्स वेरी गुड, लेकिन पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लें ऐसा कोई मेजर नहीं लिया. स्टेटमेंट ये है कि हम ऐसा करेंगे, जो कि मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा है, लेकिन जब एक्चुअल बजट पढ़ते हैं तो ऐसा कोई मेजर नजर नहीं आता. एंड स्टिल वी आर इन विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम. कुछ चीजें हुई हैं और फाइनली जिस पे भले 99.9% इकोनॉमिस्ट भी एक तरफ हो तो मेरा फिर भी इख्तिलाफ रहेगा, वो है इकोनॉमिक रिवाइवल एंड ग्रोथ बाय एनकरेजिंग अ टैक्स कंप्लायंट कंट्री टू डॉक्यूमेंटेशन. यानी कि हम डॉक्यूमेंटेशन को के जरिए टैक्स को बेहतर बनाना चाह रहे हैं. तो डॉक्यूमेंटेशन सही है, अच्छी चीज है, होनी चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का भी अगर आपको कॉस्ट बेयर करना पड़े तो फिर सोचना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंटेशन का एक टाइम होता है. अगर आप गलत टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो इकोनॉमी को नुकसान है. इस पे मैं बात करता हूं थोड़ी देर. ये ब्रॉडर टैक्स एजेंडा था. ये फाइनेंस बिल है 2019 जिसके 16 क्लॉजेस हैं और इसमें से एक डील करती है टाइटल से और एक डील करती है एसेट डिक्लेरेशन एक्ट. एसेट डिक्लेरेशन ये जो एमनेस्टी स्कीम चल रही है उसका ये एक्ट है. तो बाकी जो 14 है वो सारी अमेंडमेंट्स हैं. देखिए अमेंडमेंट ऑफ द कोर्ट पासिंग अथॉरिटी एक्ट, अमेंडमेंट ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899, अमेंडमेंट ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1958, ये सारी पुराने टैक्स एक्ट और ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स. दो हैं, एक नाम से डील करती है और एक एसेट डिक्लेरेशन एक्ट. अब मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा. देखिए हमारे ब्रॉडली जो टैक्सेस हैं जिनमें गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं वो कस्टम ड्यूटी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स है और सेल्स टैक्स. ये चार बड़े ही टैक्स हैं. वैसे भी यही बार बड़े चार टैक्सेस हैं. इनमें क्या क्या गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं और उसको कैसे इवेल्युएट करना चाहिए ये ध्यान रखें. गवर्नमेंट ने ये काम किया है कि 1600 टैरिफ लाइंस को बजट टैरिफ एग्जेम्प्टेड करार दिया. यानी कि आप ये टैरिफ लाइन से मुरा दिया कि 1600 प्रोडक्ट्स और वो प्रोडक्ट्स हैं मेनली रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड्स. इसको टैक्स कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्टेड किया है. 20 अरब रुपए का तकरीबन टैक्स जो कस्टम ड्यूटी इन जगहों से कलेक्ट होता था वो अब नहीं होता. मैग्नीट्यूड में ये बहुत थोड़ा है 20 अरब रुपया, लेकिन स्टेप ये बहुत अच्छा है. कैसे स्टेप अच्छा है? स्टेप ये इस तरह से है कि ये इसके पीछे कहानी स्टोरी ये है, लॉजिक ये है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर लोगों का जो लोकल इंडस्ट्री है उसके लिए जो रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स हम बाहर से मंगवाते हैं अगर वो कॉस्टली होंगी तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के दो तरीके हैं. या तो आप ये करें कि ये टैक्सेस इस तरह की कस्टम ड्यूटीज रॉ मटेरियल में कम करते जाएं. दूसरा तरीका यह है कि एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करें जैसे हम करते रहे. तो याद रखें अगर आप ये काम नहीं करेंगे और एक्सचेंज रेट के थ्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने की कोशिश करेंगे तो जो कॉम 110% ऑफ जीडीपी कंज्यूम करती है और इन्वेस्ट करती है उसको हमेशा डेफिसिट का सामना रहेगा. डेफिसिट हमेशा बाहर से पूरा होगा. कोई बता सकता है इस वक्त हमारी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी डोमेस्टिक सेविंग्स कितनी है? 4.2% और फॉरेन सेविंग कितनी है? 4.7%. यानी कि हमारी डोमेस्टिक सेविंग से ज्यादा फॉरेन सेविंग हम यूज कर रहे हैं. तो हमें हर सूरत बाहर से लोन लेना है. जब लोन लेना है तो इसका मतलब है फॉरेन करेंसी हमेशा शॉर्ट रहेगी. जो चीज शॉर्ट हो जिसकी एक्सेस डिमांड हो उसका रेट बढ़ता है. रेट कैसे बढ़ेगा? एक्सचेंज रेट बढ़ेगा. एक्सचेंज रेट के नुकसान डेफिनेटली होंगे जो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन
एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने का क्या तरीका है कि वो जितना शॉर्ट फॉल है उतना हर साल लोन लेते जाओ। तो जब लोन लेते जाएंगे तो फिर डेट सर्विसिंग आपकी पहले कहां खड़ी है सोच लें, आगे भी एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने के लिए लोन लेना है तो सोच लें। तो फिर उसका अल्टरनेट क्या है, ये टैक्सेस कम कर बजाय इसके कि एक्सचेंज रेट को रोकें, एक्सचेंज रेट को न रोकना चाहिए न वो रुकता है। तो और कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे हमने एग्जेम्पशन दी है, बेसिक रॉ मटेरियल फॉर पेपर प्रोडक्शन पे एग्जेम्पशन दी है। आगे चले मैं फिर इनको आखिर में इवेलुएट करूंगा। ड्यूटी रिडक्शन किया 3-0% और 11-3% ऑन वुडन। उसके बाद हमने ड्यूटी रिड्यूस किया है होम अप्लायंसेस के ऊपर, देन टायर्स के ऊपर हमने ड्यूटी कम किया है, एसेंशियल आइटम्स मेडिकल से रिलेटेड के ऊपर ड्यूटी कम किया, और फाइनली हमने एडिशनल ड्यूटी इम्पोज की है फिनिश्ड गुड्स के ऊपर और स्पेशली उनमें लग्जरी आइटम्स शामिल। मेरी नजर से देखें तो ये कस्टम ड्यूटी का क्वांटिटेटिव इफेक्ट जितना भी हो क्वालिटेटिवली इट्स वेरी गुड, ये सारे स्टेप्स बहुत अच्छे। रॉ मटेरियल के ऊपर हमने कम किया जो हमसे कम्पीट कर रहे थे या जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर बढ़ा दिया, यही तरीका होता है करने का। अक्रॉस द बोर्ड एक ही डिसीजन ले लेंगे तो फिर प्रॉब्लम। एक्सचेंज रेट का क्या प्रॉब्लम होता है, एक्सचेंज रेट का प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करेंगे तो आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड हो जाएगी और फॉरेन करेंसी अंडर वैल्यूड होगी, और फॉरेन करेंसी अंडर वैल्यू होने का मतलब है इंपोर्ट्स को सब्सिडी मिलेगी और अक्रॉस द बोर्ड मिलेगी, यानी कि लग्जरीज को भी सब्सिडी मिलेगी नेसेसिटीज को भी सब्सिडी मिलेगी। तो ये गलत स्टेप है, उसकी बजाय हमेशा सब्सिडाइजेशन और टैक्सेशन फिस्कल पॉलिसी के थ्रू होना चाहिए, एक्सचेंज रेट पॉलिसी के थ्रू नहीं। क्यों, वो सबके लिए एक जैसा होता है, यहां आपकी चॉइस होती है। तो कस्टम ड्यूटी की हद तक बात ठीक हो। आगे चले सेल्स टैक्स के ऊपर, तुम ब्रॉडली दो तीन चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेल्स टैक्स में एक तो 17% पहले जीएसटी था, अभी भी 17% ही रखा है। उसके अलावा जो है वो फूड रिलेटेड आइटम के ऊपर कुछ टैक्सेशन कम की है, लेकिन साथ ही साथ ये कहा है कि वो पहले इनपुट्स की मद में रेस्टोरेंट उसको माइनस कर देते थे, अब वो माइनस नहीं कर सकेंगे। मिल्क क्रीम वगैरह पे 17% से 10% पे कर दिया है। ये चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर तो मैं नहीं हूं कि मैं वो वाली डिटेल्स बताऊं, मैं आपको जस्ट उसका निचोड़ बताऊंगा। ऑटो पार्ट्स के ऊपर एक्स्ट्रा 2% टैक्स था वो कम किया है, और सेल्स टैक्स में 3% वैल्यू एडिशन टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन्स ये कम कर दिया है, खत्म कर दिया है। हाँ, जो सबसे बड़ा काम किया है वो किया ये है कि जो जीरो रेटेड थे सेक्टर्स, आपने टीवी पे ये बहुत सुना होगा कि ये क्या है कि पहली एक्सपोर्ट्स हमारी कम है, ऊपर से जो जीरो रेटेड टैक्स सेक्टर्स थे हमारे पांच उनको जीरो रेटिंग खत्म कर दी है। सुना है कभी, कई इकोनॉमिस्ट भी बोल रहे थे, तो ये कभी सोचा है ये क्या चीज है, हमारे पांच सेक्टर हैं जो जीरो रेटेड है। अगर मैं रिकॉल कर पाया तो एक टेक्सटाइल है, एक लेदर है, एक मेडिकल सर्जिकल आइटम्स हैं, एक स्पोर्ट्स है और एक कारपेट्स है। ये पांच जीरो रेटेड सेक्टर हैं, जिसका मतलब ये है कि चूंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर हैं, तो इनके ऊपर हम 17% टैक्स नहीं लेते, जीरो रेटेड। मकसद क्या है, टू प्रोमोट एक्सपोर्ट, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। अब ये जो गवर्नमेंट ने किया है ये गलत है या सही, लेकिन इतना गलत नहीं है जितना मीडिया में कहा गया। कैसे, ठीक है आपके ये पांच सेक्टर हैं और इन पांच सेक्टर से एक्सपोर्ट होती है, और उन पांच सेक्टर को एक्सपोर्ट इंसेंटिव देने के लिए आपने उनके ऊपर जीरो टैक्स लगाया हुआ है, ये 17% नहीं रखा हुआ, लेकिन जो प्रॉब्लम हो रहा है वो समझें। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आपके ये पांच सेक्टर आधी चीजें बना के पाकिस्तान में सेल करें और आधी बाहर भेजें, तो टैक्स रिबेट या टैक्स एग्जेम्पशन किस पे मिलनी चाहिए आपके ख्याल में, जो बाहर भेज रहे हैं ना। वजह, जीरो रेटेड क्यों रखा था एक्सपोर्ट के लिए, तो एक्सपोर्ट वाले पार्ट पे उन्हें एग्जेम्पशन देना। जीरो रेटेड का मतलब यह कि आप इधर बेचें बाहर बेचें आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है,
तो बजट में ये कहा है कि भाई आप 17% देंगे, ये बात समझिए बहुत बड़ा चेंज है, 17% आप देंगे, और जब देंगे तो जो जो आप एक्सपोर्ट करेंगे वो हमें शो करें, वो हम आपको वापस रिफंड कर देंगे। तो इन प्रिंसिपल इसमें कोई मसला है? मेरे ख्याल में तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए भाई। वो तो कह रहे हैं अगर एक्सपोर्ट में मसला है तो एक्सपोर्ट वाला सारा रिफंड कर देंगे, लेकिन लोकल सेल वाला क्यों रिफंड करेंगे? मैं एक चीज बनाऊं जो इन पांच सेक्टर में नहीं है, मेरे ऊपर आप 17% टैक्स लगा दो, वो उनके ऊपर नहीं लगा रहे, बेच वो भी यही रहे हैं, फिर ये गलत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस सेक्टर ये कहता है कि हमारे साथ ज्यादती होती है, ये रिफंड कहते हैं करते नहीं है, ये बात जनरल कि ये रिफंड का कहते हैं करते नहीं है। तो बात समझिए कि हमें मसला हल यू करना है कि रिफंड का स्ट्रेटेजी इंप्रूव करें, उसका एसओपी बेहतर बनाएं, ना कि आप जीरो रेटेड कर दें। जीरो रेटेड करने के साथ तो आपका रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है और दूसरे सेक्टर्स के साथ ज्यादती हो रही है। ये जीरो रेटेड खत्म होना चाहिए, लेकिन रिफंड के लिए मैकेनिज्म बेहतर बनाना चाहिए, जो कि नहीं है। पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? तो वो मैकेनिज्म बेहतर बनाने की जरूरत है। फिर ये है, एक और इसमें किया है कि जो आपके ट्राइबल एरियाज हैं, क्योंकि इनमें टैक्स डिडक्शन जो है ये टैक्स फ्री जोन है, लेकिन होता यह है कि कुछ आपकी जो स्टील इंडस्ट्री है, सरिया बनाने की जो मिले हैं, वो कुछ ऐसे एरियाज में लगी हुई हैं जिसका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बाकी मिले उनको कंपीट नहीं कर पा रही थी। सही, तो गवर्नमेंट ने बजट में ये किया है कि जो आपको ट्राइबल एरियाज हैं या मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें वो अदरवाइज टैक्स फ्री जोन किया है, यानी कि कुछ और इवन एग्जेम्पशन दे दी है, लेकिन स्टील इंडस्ट्री और वेजिटेबल घी की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर कहा है कि वो वही टैक्स देंगे जो बाकी सेक्टर बाकी एरियाज में दे रहे। उसकी रीजन ये है कि 17% वो टैक्स नहीं देंगे अगर, तो 17% तो वो पहली मार्जिन पे चले गया, तो वो मार्केट में कोई दूसरा उनको कम्पीट नहीं करेगा। अब अगर तो वो सारे का सारा सेल भी ट्राइबल एरियाज में कर रहे हैं फिर तो ठीक है, अगर वो बनाते वहां हैं और बेचते कहीं और हैं तो फिर ये जस्टिफाइड नहीं थी एग्जेम्पशन, तो इस वजह से उन्होंने किया है। इसमें और कुछ सेल्स टैक्स में है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी को भी छोड़ें, तो ये सेल्स टैक्स में जनरली, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स पर टैक्स लगा दिया है, टैक्स 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 कर दिया है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिस्ट्रक्शनरी इफेक्ट्स होते हैं और ये थोड़ा इकोनॉमी को प्रॉब्लम होगा। इनकम टैक्स के अंदर कुछ अच्छी चीजें की भी हैं, कुछ नहीं भी की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये देखिए गरीबों के लिए 50,000 इनकम पे टैक्स लगा दिया, पहले 1,00,000 रुपए इनकम पे नहीं था। एक तो ये ध्यान में रख लें, 1,00,000 रुपए इनकम पे जो टैक्स नहीं था वो सिर्फ पिछले बजट में हुआ, उससे पहले 4,00,000 यानी कि तकरीबन 32,000 मंथली इनकम पे भी टैक्स था। दूसरी बात कि आपका 50,000 मंथली इनकम पे भी टैक्स नहीं है, 5% है उस इनकम के ऊपर टैक्स जो 50,000 से एक्सीड करती है। तो यानी कि एक बंदा अगर 1,00,000 रुपया महीना कमाता है तो उसके ऊपर 2,500 रुपया मंथली टैक्स है, ये इतना ज्यादा नहीं है, 1,00,000 रुपए कमाने वाले पे 2,500 रुपया मंथली टैक्स। लेकिन कुछ इसमें और अच्छे काम हुए हैं, कुछ बुरे हुए हैं, वो समझ लें। एक ये हुआ है कि टैक्स जो ब्रैकेट्स है ना, टैक्स स्लैब्स, वो जो अपर स्लैब है वो इससे पहले पिछली गवर्नमेंट 60,00,000 पे रोक देती थी। क्या मतलब? यानी कि जो 60,00,000 एनुअल इनकम कमाता है उसका टैक्स रेट, और जो 2 करोड़ रुपया एनुअल कमाए उसका टैक्स रेट, और जो 5 करोड़ रुपया एनुअल कमाए उसका टैक्स रेट बराबर था। इस बजट में यह किया गया है कि जो टैक्स स्लैब्स हैं वो 60,00,000 से हटा के 7.5 करोड़ तक ले जाए। अब होता है आपके जो बैंक के सीईओज हैं इनमें से अक्सर की सैलरी करोड़ प्लस में है मंथली, तो वो टैक्स रेट वो पे करते थे जो 5,00,000 रुपया मंथली वाला पे करता था। तो इस तरह से ये स्लैब्स बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करें तो अभी भी एक प्रॉब्लम ये लग रहा है कि जो मीडियम से नीचे वाले इनकम ग्रुप्स हैं उन पे थोड़ा टैक्स बर्डन बढ़ा है, और जो मीडियम से ऊपर है उन पे थोड़ा टैक्स बर्डन कम हुआ है। इफेक्टिवली वो गलत है, टैक्स प्रोग्रेसिव होना चाहिए।
आपका टैक्स प्रोग्रेसिव नहीं है, लेकिन ये अभी एग्जैक्टली कैलकुलेट मजीद करने की जरूरत है। कुछ और चीजें उन्होंने की हैं, मतलब डिस्टॉर्शंस थी जो कि ठीक भी हैं, जैसे उन्होंने रियल एस्टेट में उन्होंने कुछ काम किए हैं, जैसे नॉन फाइलर को 5 मिलियन से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने के प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत ही नहीं थी, वो इजाजत दे दी है। नंबर टू उन्होंने ये किया है कि जी जो 5,50,000 यानी कि 5 मिलियन से या उससे प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सीड करेगी वो आप कैश पे आप नहीं खरीद सकते, वो आपको लाजमी थ्रू बैंक ट्रांजेक्शन खरीदनी पड़ेगी। आपके टाइम काम है, मैंने थोड़ा सा प्रोविंशियल फिगर्स भी शो कर दिया, मैं इनकी डिटेल में नहीं जाता, इससे कुछ प्रॉब्लम होंगे, जैसे आपकी जो गवर्नमेंट की मनी है कैश उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और जो बैंकर्स मनी है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होगा ये समझने की जरूरत है। उसके बाद इस तरह के काम छोटे छोटे किए। नेट रिजल्ट आपको अगर बता दें कि बहुत ज्यादा ओवर टैक्सेशन करने की कोशिश है, ये याद रखिए इसके दो नुकसान, या तो बजट का टैक्स टारगेट नहीं अचीव होगा, अगर अचीव होगा तो फिर उसके डिस्टॉर्शनरी इफेक्ट ज्यादा होंगे कि अगले साल हो सकता है आपका जीडीपी ग्रोथ 3% भी ना रहे, टारगेट तो हमारा 4% है नेक्स्ट ईयर का, हो सकता है 2% 1% पे चला जाए। क्यों भाई, एक बात समझे, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी सही है, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन होगी तो आप प्रॉपर टैक्स कलेक्ट करेंगे, लेकिन टैक्सेशन डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीजें समझे, इनको ग्रोथ को फॉलो करना होता है। अगर आप पहले ये करना शुरू कर दें ग्रोथ से पहले और इनकी कास्ट पे ग्रोथ ना हो तो आप अपना नुकसान करेंगे, इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो गई, इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, हर बंदे की हर ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड आ गया, लोगों के पास जॉब नहीं है। तो ये बात समझें, हर स्टेज होती है, आप अमेरिका को बेंचमार्क नहीं बना सकते डॉक्यूमेंटेशन का, उनकी सेंचुरीज की हिस्ट्री है, आप कहें कि आज हम डंडा उठा के लोगों को अमेरिका के बराबर डॉक्यूमेंट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करेंगे आप अपनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किल करेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किल करेंगे आपकी जीडीपी ग्रोथ इफेक्ट होगी, आपके लोगों को रोजगार जो मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। डॉक्यूमेंटेशन करें, पहले प्रॉस्पेरिटी लाएं, फिर फॉलो करें डॉक्यूमेंटेशन। आप मुझे एक बात बताएं, इस वक्त किसके पास मोबाइल नहीं है, आप किसी इस वक्त अभी सब नहीं है, किसी के पास इस वक्त नहीं, अच्छा कितनों के पास विंडो वाला है, एंड्रॉइड नहीं है, आप खड़ा कर दें, किस टैक्स ऑर्डिनेंस में चेंज लाके ये हमने इंपोज किया आपके ऊपर, खबरदार एंड्रॉइड जेब में ना रखा तो हम ये कर देंगे, ये आपने खुद नहीं अडॉप्ट किया, आप पैसे घर से उठा के बैंक में रखते हैं, बैंक को आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, क्या ये गवर्नमेंट नहीं करना करे, आप कर रहे हैं, तो लोगों को अडॉप्ट करने दे, लोगों की प्रॉस्पेरिटी का ख्याल रखें, इकोनॉमिक ग्रोथ का ख्याल करें जो हुकूमत का काम है। अगर लोग टैक्स चोरी करते हैं ये फेलियर गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट का है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी ट्रांजेक्शन रोक दो, क्यों ये करोगे तो आप चोरी कर लेते हो, भाई मुझे बताओ कि अगर ट्रांजेक्शन रोक के आप चोरी रोकेंगे तो फिर तो कमाल हो जाएगा, नहीं, ये बात समझ आ रही है आपको, ट्रांजेक्शन हो और चोरी पकड़े, ट्रांजेक्शन रोक दे क्योंकि चोरी हो रही है, ये दो स्ट्रैटेजी है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन की स्ट्रैटेजी है डंडे के जोर पे और स्पीडी इवन एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ये बहुत खतरनाक स्ट्रैटेजी, ये हमें, हम एक स्टेप आगे चले गए, हम टाइम दें, देखिए पहली बात ये है टैक्स लें जॉब करें, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों को रोजगार देना है ना, तो लोगों का रोजगार छीन के अगर आप डॉक्यूमेंट करेंगे तो फिर क्या फायदा होगा, ये बात समझ आ रही है, तो ये इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो हमें समझने की जरूरत है। मैं केपी के बजट पे अब चूंकि टाइम बहुत हो गया नहीं लूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ बजट और थोड़े से रेवेन्यू रिसोर्सेज का आइडिया बता दूं ताकि आपके जेहन में, कोई बता सकता है केपीके का टोटल बजट कितना है, 855 अरब रुपया, कितना है
855 अरब रुपया, 900 अरब रुपया हमारे रेवेन्यूज का एस्टीमेट है, रिसोर्सेज का, यानी कि 45 अरब का हमने बजट सरप्लस बनाया। क्या? 45 अरब का बजट सरप्लस बना। इससे पहले कि बहुत लंबी जोड़ी चले बातें हो सकती हैं या नहीं, मैं आपको थोड़ी सी कम से कम एक्सप्लेन कर दूं केपीके से रिलेटेड। केपीके के अंदर इस वक्त 855 अरब रुपए का बजट है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, और 900 अरब के एस्टिमेट्स हैं रेवेन्यूज के, तो इसका मतलब है 45 अरब का सरप्लस है। करंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट के मुताबिक 412 अरब रुपया है और इस साल का 457 अरब रुपया है, लेकिन ये उन डिस्ट्रिक्ट का मैंने कंपेयर किया है जो मर्ज्ड एरियाज नहीं है। मर्ज्ड एरियाज बीच में डालने पर तो कंपैरिजन नहीं हो सकता ना, पिछले साल वो नहीं थे, इस साल हैं, उनका मैंने अलग शो किया है, वो मैं आपको बताऊं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पिछले साल 121 अरब रुपया और इस साल 154 अरब रुपया, तो 27% इसमें इंक्रीज है। करंट बजट में इंक्रीज 11% है और डेवलपमेंट बजट में इंक्रीज 27% है, विच इज गुड। सरप्लस के अंदर 50% का इंक्रीज है। सोचे हमें पता नहीं सरप्लस बजट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये एक सवाल है। 50% इंक्रीज है। फिर कोई फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस होती है वो 82 अरब रुपया, जो कि पिछले साल 54 अरब रुपया था, तो 51% इसमें इंक्रीज है फॉरेन असिस्टेंस में, यानी कि जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना उनको फॉरेन सोर्सेज से फंडिंग होती है, जैसे बीआरडी को भी फॉरेन सोर्सेज से भी फंडिंग है, तो वो इतनी इंक्रीज हुई है 51%। जो आपके टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें 18% से इंक्रीज आया है। फेडरल ट्रांसफर, जरा यह गौर करना, आपके टोटल करंट एक्सपेंडिचर कितने हैं इस साल, 457 अरब रुपया, और आपको जो फेडरल से पैसे मिलने हैं वो कितने हैं, 533 अरब रुपये, ठीक है। और जो प्रोविंशियल ऑन सोर्स रेवेन्यूज हैं वो पिछले साल 35 अरब रुपया थे और इस साल 53 अरब रुपया है, और सबसे बड़ा इंक्रीज इनमें आया है 54%। थोड़ी एक ओवरव्यू समझ आया बजट का, क्या है, कितना और क्या क्या हेड्स हैं उसके, और कितना कितना इंक्रीज आ रहा है। अगर हम इसके एक्सपेंडिचर में जाएं तो 457 अरब करंट एक्सपेंडिचर है और 154 जो कि 18% बनते हैं वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये कौन से करंट एक्सपेंडिचर हैं, जो सेटल्ड एरियाज के हैं, यानी कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, और ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी उन्हीं के, जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं उनके करंट एक्सपेंडिचर ये हैं और उनके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ये हैं, और ये फॉरेन असिस्टेंस है। ये केपीके की टोटल स्टोरी, सब मर्ज डिस्ट्रिक्ट दूसरे मिला। तो जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है उनका कुल पैसा कितना हो गया, जरा गौर करें, 855 अरब में से जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है उनका कुल पैसा कितना हुआ, 79 बिलियन ये और 83 बिलियन ये, तो मिला के कितने होते हैं, 162 बिलियन रुपीज। कोई बता सकते हैं इसमें केपीके गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 162 अरब जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोविंशियल बजट में रखे गए हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, बता सकते हैं, टुक्का लगा दे, 162 अरब में से प्रोविंशियल गवर्नमेंट कितना दे रही है, 40 बिलियन 60 बिलियन, टुक्का लगा दे, 11 अरब रुपया दे रहे हैं। वो कैसे, वो ऐसे दे रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट, केपीके गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट, समझिए दो सूबाई हुकूमत हैं एक फेडरल हुकूमत, ये तीनों ने कहा है कि हम अपना जो एनएफसी से हमें हिस्सा मिलता है हम उसका 3% मर्ज डिस्ट्रिक्ट को देंगे, तो बड़ा शेयर पंजाब से या फेडरल गवर्नमेंट से आएगा, कितना, 162 में से 11 निकाल लें, 151 अरब रुपया वहां से आएगा, और जो केपीके की अपनी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी वो 11 अरब रुपया, 162 अरब रुपए, और उसमें डेवलपमेंट और करंट का अगर आप रेशो देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, डेवलपमेंट बजट 83 है और करंट बजट 79 है, इसकी क्या वजह है, ये पहली दफा उल्ट है,
इसकी वजह यह है कि हिस्टोरिकली यहाँ डेवलपमेंट बजट ही होता है ट्राइबल एरियाज में, हुकूमत का है जो हुकूमत की एजेंसीज और उनका बजट हुकूमत ही तो नहीं थी, ऐसा है हुकूमत की प्रेजेंस ही नहीं थी, तो हुकूमत की प्रेजेंस होती है तो करंट बजट बढ़ता है ना, तो ये रीजन है कि यहाँ डेवलपमेंट बजट ज्यादा है। अब जो जो वो सेटल्ड एरिया बनेंगे उनमें, जैसे अभी पिछले दिन मैं कहीं देख रहा था कि वो थाना बना दिया, पुलिस स्टेशन बना दिया, अब लोग होंगे उनकी तनख्वाहें होंगी तो कल को करंट एक्सपेंडिचर यहाँ ज्यादा होते हैं, लेकिन अभी नहीं है। विद इन करंट एक्सपेंडिचर जरा गौर करना, 457 अरब रुपया थे, 303 अरब रुपया सैलरी चली जाती 457 में से, 625,000 केपी के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और 457 अरब में से, और 457 अरब तो प्रोजेक्टेड है ना, वो सारे पता नहीं पूरे भी हो पाते हैं कि नहीं, लेकिन ये 303 अरब सैलरी तो जाएगी। अब आपकी ख्वाहिशात पे सैलरी बढ़ा दें तो 457 अरब ही पे सैलरी ले जाएगी। और बात समझें, इसमें वो एफपीआर का 1500 का ओवर टारगेट शामिल है, वो नहीं होगा तो केपीके को शेयर कम मिलेगा, वो बलोचिस्तान है जिसको सिर्फ शेयर कम नहीं मिलता, बाकी तीनों सूबों का शेयर कम हो जाता है, बलोचिस्तान को बैकवर्डनेस की वजह से ये फेवर दी गई 7th NFC अवार्ड में कि ये बैकवर्ड रह गए हैं, तो इसका मतलब है हम उसको ये फेवर देते हैं कि ये वापस कट दें। केपीके को एक फायदा दे दिया, वो क्या 1% एडिशनल दे दिया वारंट टैरिफ, तो इन दोनों सूबों को बेसिकली है, सिंध और पंजाब को नहीं, उस एक्स्ट्रा। तो भाई ये 57% तो आपके करंट एक्सपेंडिचर का सैलरी में चला गया, और ये बात खत्म नहीं ना हुई, 13% पेंशन में भी देना है, वो भी तो सैलरी समझे, तो 303 ये और 70 ये, 457 अरब में से 373 अरब रुपया पेंशन और सैलरी चले, अभी बाकी हुकूमत पड़ी है जो चलानी है, सही है आगे। हाँ, ये जॉइंट एक्सपेंडिचर में डेट सर्विसिंग भी तो बीच में है, इतनी ज्यादा नहीं है, 10% है, 10 अरब रुपया था, ये 10 अरब रुपया, तो चलिए 10 अरब ही सही, 373 वो डाल दें, ये जॉइंट एक्सपेंडिचर है 383 हो गया, 383 बिलियन, तो करते करते ये थोड़ी थोड़ी सी और चीजें मिलाऊं ना तो मैं 400 ये हो जाएगा, तो 457 में से 400 अरब रुपया कहलाते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर, ये क्या कहलाते हैं, तो जो बाकी बचता है उसको कहते हैं फिस्कल स्पेस, क्या। अब एक तो हो गया चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, जो चार्ज एक्सपेंडिचर बाकी निकाल दें तो जो बाकी बचता है वो क्या होता है, वोटेड एक्सपेंडिचर है, और वोटेड एक्सपेंडिचर में ऐसे आइटम जो हर सूरत में देने हैं, सैलरी देनी ही देनी है, ऐसे आइटम माइनस करें जो कंपल्सरी पेमेंट्स हैं, तो जो बाकी बचता है उसको कहते हैं फिस्कल स्पेस। फिस्कल स्पेस होती है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, अच्छे कामों के लिए, स्कूल, फेडरल गवर्नमेंट के पास, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, किसी के पास फिस्कल स्पेस है कुछ करने के लिए तो फिर जो मर्जी गवर्नमेंट उठा के ले आए, फिस्कल स्पेस ही नहीं है तो काम क्या करेंगे। तो मैं उस दिन कहूंगा कि अब कोई रियल चेंज की बात हो रही है जब आप एक्चुअली वो स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जब तक हम ये कहेंगे ये तो स्पेस नहीं है, ये तो कमिटेड एक्सपेंडिचर है ही है, तो बाकी तो स्पेस ये रह गई है, बस सही है, इस स्पेस में जो हो सकता है वो हो रहा है, सही। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मैंने थोड़ा सा आपको ये दिखा दिया, आप बाद में खुद देख लीजिएगा कि एग्रीकल्चर को कितना दे रहे हैं, हेल्थ को कितना दे रहे हैं, एजुकेशन को कितना दे रहे हैं, एजुकेशन का शेयर इसमें काफी है, ये है ना, ये एलिमेंट्री एजुकेशन का कितना है, 17.4 बिलियन रुपीज, काफी बड़ा शेयर लग रहा है। थोड़ा सा रिसीट्स का आपको आइडिया देखें, अब मैं केपीके के इश्यूज में नहीं जा सकता क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन आपको ये इसलिए फ्लेवर दे रहा हूं कि आपके जहन में मोटे मोटे इश्यूज होने चाहिए और इन इश्यूज को समझ के बात किया करें, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप इलिटरेट नहीं है, इकोनॉमिक इलिटरेट नहीं है जो आप बाकी लोगों की तरह आर्ग्यूमेंट दें बजट नहीं अच्छा क्योंकि हमारी सैलरी नहीं बढ़ी, भाई ठीक है सैलरी न बढ़ना गलत है मान लिया, यार ये कहने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत होती है कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ी इसलिए मुझे 4 साल का BS करना है ताकि मैं ये समझ सकूं कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ी,
वो तो आप ना करते बी एस तब भी समझ आ जाता, एम फिल ना करते तब भी समझ आ जाता, उस एम फिल का भी तो कुछ हिस्सा डाले ना, उसको मैं क्या करूँ। तो ये क्या है, रिसीट्स कहां से आती है जरा गौर करना, 500 आपका टोटल रिसीट्स कितनी है, 900 अरब रुपया, कितनी है 533 अरब रुपया फेडरल ट्रांसफर है, 900 अरब रुपया में से 533 अरब रुपया जो कि ऑलमोस्ट 59% है, ये क्या है फेडरल ट्रांसफर है, ये है आपका नेट आइडल प्रॉफिट, यानी कि जो बिजली वगैरह केपीके में जनरेट होती है तो उस पे जो प्रॉफिट का शेयर इसको मिलता है वो मोस्टली केपीके को ही मिलता है, फेडरल का इसमें हिस्सा कम होता है, वो 55 अरब रुपए है। प्रोविंस के अपने ऑन सोर्स रेवेन्यूज कितने हैं, 53 अरब। ये इसका कितना बना, एग्जैक्ट 10%, कैसी है ना, 10% आप खुद टैक्स कलेक्ट करते हैं उसका जितना आपको फेडरल से मिलता है। फिर ये अदर रिसीट्स हैं 24 अरब रुपया, केपीके और बलोचिस्तान में एक बात मैंने बहुत सुनी, जो कि क्वेटा में भी मैं ये करता रहा और केपीके में भी दूसरे साल कर रहा हूं, मैंने ये बात बहुत सुनी कि जी हमारे पैसे लैप्स हो जाते हैं और वो पता नहीं कहां चले जाते हैं, तो हमारे सूबे खर्च कर नहीं करते, वो कहीं नहीं जाते, वो आपके पास ही होते हैं, वो आपकी सेविंग होती है, अगले साल आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मसलन इस साल ये जो 24 अरब रुपया है ये पिछले साल की सेविंग से आ रहा है, सही समझ आ गया, इसलिए ये टेंशन न लें कि वो लैप्स हो गया, हाँ ये टेंशन लें कि वो अच्छा यूज नहीं हुआ। फिर फेडरल गवर्नमेंट से ये ग्रांट्स हैं 151 अरब की, ये वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट वाले जो पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर कर ली है, ये फॉरेन असिस्टेंस, हम एक्सपेंडिचर वाली साइड, सैलरी वाली साइड, फेवर्स वाली साइड पे तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं। ये जरा देखें ना इसमें आपकी अपना कंट्रीब्यूशन किधर है, ये ऑन सोर्स रेवेन्यू, इसपे भी कभी कभी बोला गया अच्छा होता है, वो आपको मिल गया, वो आपकी सेविंग, वो आपकी अकाउंट नहीं है, एडजस्ट नहीं कर वापस, कुछ थोड़ा बहुत शायद कुछ फेडरल गवर्नमेंट 1% 2% लेते हैं, अब जो फेडरल ट्रांसफर्स आपको मिली हैं इतनी ज्यादा, वो भी तो देखें वो होती क्या है, हमें पता तो होना चाहिए। एक है फेडरल टैक्स असाइनमेंट, ये जो फेडरल डिविजिबल पूल कहलाता है, फेडरल डिविजिबल पूल से क्या मुराद है, 5 टैक्सेस जो मैंने बोले थे, उन टैक्सेस का जो 57.5% प्रोविंसेस को मिलेगा उसमें से 14.62% जो केपीके को मिल रहा है वो 453 अरब रुपए है, समझ आ गई, 453, और जो 1% बार ऑन टेरर मिल रहा है वो 56 अरब रुपया इसके अलग है, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ स्ट्रेट ट्रांसफर्स हैं, ये हैं बेसिकली गैस और पेट्रोलियम के ऊपर रॉयल्टी, ये अलग से केपीके को मिलेगी 25 अरब रुपया, और नेट हाइडल प्रॉफिट जो है ये मिलेगा 55 अरब रुपया। तो ये वो सारी ट्रांसफर्स हैं जो बेसिकली कलेक्ट फेडरल गवर्नमेंट करती है और फिर वो हिस्से देती है सूबों को, तो ये सूबों को जो टोटल मिल रहा है 533 वो इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। और जो प्रोविंस के अपने ऑन सोर्स रेवेन्यूज हैं वो क्या है, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 46%, डायरेक्ट टैक्सेस हैं आपके 16%, और नॉन टैक्स रिसीट्स 20% हैं। सबसे जो बड़ा सोर्स है, बड़ा सोर्स वो पता है क्या है, प्रोविंशियल ऑन सोर्स रेवेन्यू का जीएसटी ऑन सर्विसेज, वो 20% है टोटल ऑन सोर्स रेवेन्यूज का, 20% जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ रहा है। मैं 48 स्लाइड पे हूं और मेरी 49 स्लाइड्स हैं, ये खबर पहले सुना दूं। अच्छा जी, ये आ गया रिड्यूसिंग डेवलपमेंट थ्रो फॉरवर्ड, ये एक केपी के गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया इस दफा। ये होता ये है कि आप इस साल बजट में स्कीम्स बना लेते हैं कि हम बीआरडी बना देंगे, हम प्लान बना देंगे, ये सारा बना देते हैं और स्कीम बना देते हैं उसमें पैसे नहीं रखते,
क्यों? पैसे जो पीछे थ्री स्कीम्स चल रही हैं उसको देने पड़ जाते हैं। जब आप उसको पैसे देते हैं तो नई स्कीम शुरू तो करनी ही करनी है, क्योंकि उसके लिए कुछ थोड़े बहुत पैसे रखती है। वो फिर बजट तो बन गया, स्कीम अप्रूव हो गई, लेकिन सबको पता है वो बननी नहीं है, बस वो थोड़ा सा स्टार्ट ले लेते हैं, फिर अगले साल के बजट में उसको थोड़े पैसे मिलते हैं, फिर थोड़े पैसे उससे अगले बजट में, करते करते जो प्रोजेक्ट 3 साल में बन सकता था वो 6 साल में बनता है। सही है ना? आप समझ रहे हैं, जो 6 महीने में बनना है वो 6 साल में बनता है। तो एक केपी के गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि ये जो थ्रो फॉरवर्ड कहते हैं इसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का, थ्रो फॉरवर्ड से मुराद कि हमने जो नई स्कीम्स अप्रूव की हैं उसमें मसलन जो टोटल बजट बनता है 100 रुपया, 10 रुपया उनको दे दो और 90 थ्रो फॉरवर्ड, यानी कि अगले बजट देंगे आपको। इससे स्कीम्स खराब होती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो केपी के गवर्नमेंट ने इस बजट में ये अच्छा किया है कि थ्रो फॉरवर्ड 90% होता था इससे पहले, उसको कम करके 63% कर दिया। दूसरा, जो थ्रो फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स था वो ये था कि 2012 में 1.7 था, यानी कि थ्रो फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स से ये मुराद होती है कि जितना आपने थ्रो फॉरवर्ड है आपका, तो जो रेगुलर रूटीन में आप रिलीज करते हैं फंड्स, तो 1.7 साल लगेंगे उस पिछली स्कीमों के पैसे पूरे करने में। 2013 में 1.5, तो पिछले 5 सालों में ये थ्रो फॉरवर्ड बहुत बढ़ गया। हत्ता कि इस साल जो थ्रो फॉरवर्ड था, यानी कि ये जो साल गुजरा है, ये 6 साल का हो गया, यानी कि पिछली स्कीमों के पैसे पूरे करने में 6 साल लगेंगे। बात समझ आई? तो इस बजट में केपी के गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इसको 3 साल पे ले आए और मैक्सिमम ग्रेस पीरियड डाल के 4 साल, तो ये अच्छा स्टेप है। सही है? मेरा सिर्फ एक पैगाम है आपके, ये मैंने भी जो आपके सामने रखा ये बजट का कुछ भी नहीं है, 10% भी मैंने बातें नहीं की, और अभी इश्यूज में तो मैं गया भी नहीं, इश्यूज पे जा भी नहीं सकता। अगर इन इश्यूज को हम नहीं समझेंगे और प्रॉपर से समझ के बात नहीं करेंगे, आप मुझे एक बात बताएं, जो हम गिला करते हैं कि हमारी कोई बात सुनता ही नहीं, हम क्या कहें, तो आपकी बात सुननी चाहिए या मेरी बात सुननी चाहिए? कभी चाहिए भी नहीं। क्यों? हम इररिलेवेंट बातें करते हैं। हम कह रहे हैं जी क्या कर लें, ये टैक्सेस कम कर दें। यार आप इकोनॉमिक्स ना पढ़े तब भी सब यही कह रहे हैं। या जो गवर्नमेंट में बैठा सेक्रेटरी है वो आपको बुला ले कि भाई इकोनॉमिस्ट हैं आप बताएं हमें क्या करना चाहिए, आप वो बोलेंगे जो उसके नजदीक भी गलत होगा, उसकी इंप्रूवमेंट तो बड़ी दूर की बात। जब तक ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बजट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, एक छोटा सा सिर्फ आपको बात बताऊं, मैंने कोई मिनिमम नेट आवर्स निकाले, मिनिमम नेट घंटे ना, कि कितना टाइम मैंने पढ़ा, तो मैंने बजट को 30 घंटे से ज्यादा पढ़ा, 30 आवर्स से ज्यादा नेट, और अभी पढ़ना है क्योंकि अभी मैंने पंजाब, सिंध, क्वेटा, बलोचिस्तान के लिए पढ़ना है, वहां जाकर प्रेजेंटेशन देनी है। लेकिन 30 आवर्स की रीडिंग मुझे लगी यहां तक, 20 एक और कर लें, 50